ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मराति यतो निदहाति वेदः सनः परशदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवी गुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तन्याय शयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्ननावा दुरिताति परशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् सनः परशदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्त वेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवील्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को जय माँ दुर्गा, जय सनातन जी, सरोज जी, आप लोगों को बहुत साधुवाद। और सॉरी, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। सभी को जय माँ दुर्गा और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिससे पहले लोग और जुड़े, मैं जो हूँ थोड़ी सी न्यूज शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 महीने से प्रेग्नेंट महिला की याचिका, कह रही थी बिना प्लान किए हो गया। 28 लाख के जूते, 12 लाख का पर्स, 5 लाख का स्कार्फ, 50,000 की दारू, सवाल पूछने के बदले ब्रांडेड माल और कैश लेती हुई महुआ मोहत्रा, वकील का दावा। घूस लेकर हमारी कंपनियों पर लगाए आरोप, 5 साल से चल रहा है ये सब, अडानी समूह ने महुआ मोहत्रा की खोली पोल, केंद्रीय मंत्री का भी खुलासा। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपित बनाई जाएगी अरविंद केजरीवाल की एएपी, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दी बड़ी जानकारी, कहा आम आदमी पार्टी की हुआ सारा फायदा, को हुआ सारा फायदा। मुंबई की बिलाल मस्जिद में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर और नारे, इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर जुटे वामपंथी, जो कोठी में जाती व बाहर नहीं आती, नाले से मिले थे 19 नर कंकाल, हाई कोर्ट ने निठारी कांड में मौत की सजा पाए मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोहली को किया बरी, है इनको बरी कर दिया। यहां तो बच्चे छोटे छोटे इनके कंकाल पाए गए थे, ये तो खा जाते थे उन बच्चों को। मुस्लिम बन जाओ फिर भी कुछ भी करो जन्नत में ही जाओगे, पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर ने, पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर, ये क्या लिखा हुआ है, वीडियो शेयर करके बताया मेरे साथ रोज यही होता था, मतलब रोज इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे।
नुपुर शर्मा की तरह मेरे पीछे पड़ा जिहादी मोहम्मद जुबैर, अमेरिका की महिला पत्रकार ने बताया, इजरायली अधिकारी ने फैक्ट चेकर को फेक न्यूज फैलाने पर लताड़ा। नवरात्रि की कलश यात्रा पर कट्टरपंथी भीड़ का हमला, 5 साल का बच्चा भी घायल, मस्जिद के पास पहुंचते ही चलने लगे ईंट पत्थर। अलीगढ़ में राम बारात पर पथराव, दावा मस्जिद के पास जमा हुए थे हमलावर, फरसा तलवार से हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला। गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल, बोले पीएम नेतन्याहू, हमास का सफाया है लक्ष्य। लेबनान सीमा भी खाली करवाया, युद्ध विराम के आसार नहीं है। मैं तो कहती हूं इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए गाजा पे। अब ओलंपिक में भी मिलेगा T20 का मजा, 128 साल बाद क्रिकेट की फिर से एंट्री, क्या भारत को 2036 की मिलेगी मेजबानी। देवरिया के जिस देवेश दुबे के मां बाप भाई बहन सबको मार डाला, उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने से किया इनकार, कहा सपा राज में ही हुआ है हमारा उत्पीड़न। अग्निवीर अमृतपाल की मौत में फायदा खोज रही कांग्रेस, एएपी अकाली परिवार और देश की सेना दोनों को कर रही बदनाम। वे 70 साल के हैं, इसे तत्काल सुने। न्यूज क्लिक वाले प्रबीर पुरकायस्थ की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल, सीजीआई बोले पहले कागज दिखाएं। मेरे लोगों को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस छोड़ रहा हूं, दिग्विजय सिंह का इस्तीफा वायरल, जानिए क्या बोले मध्य प्रदेश के पूरे पूर्व सीएम। आज की इतनी ही खबरें थी, मैं 1 सेकंड का जो है पॉज लेना चाहती हूँ यहाँ पर, मैं अपना पर्दा लगा दूँ, बहुत न्यू धूप आ रही है। जी सॉरी, वो एकदम से धूप आ जाती, पहले तो आ नहीं रही थी फेस पे। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सरोज जी आपको भी जय सनातन हिंदू राष्ट्र, जय सनातन जी आपको भी, जय श्री राम, इंदिरा जी आपको भी, जय माँ दुर्गा, प्रवीण चौधरी जी जय माता दी, Could the poet Muhammad have died from HIV or some STD, knowing that he had sexual relations with hundreds of women? मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है पूरी, मैं आपके साथ साथ ही पढ़ती जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये नया होता है। मैं इसी समय उससे पढ़ती हूँ इंग्लिश में और अपने मन में ट्रांसलेट हिंदी में करके आपको सुनाती हूँ, उसी वक्त मैं ये प्रक्रिया करती जाती हूँ। तो मैंने सोचा दो दो बार किताब नहीं पढ़ूंगी, तो मैंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो जब मैं आपको बता रही होती हूँ तो मेरे लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नई होती है। जय माता दी सनातन जी, जय माता दी प्रवीण जी, जय माता दी इंदिरा जी। और आज से मैंने एक नई बात शुरू करी है, वो मैंने अपने वेदों वाले उसमें कही थी, वो ये कि देखिए ये जितने भी काफिर हैं, काफिर कह रही हूँ सॉरी, मलकीट पिशाच जो हैं, ये हमारे इनकी किताबों में हदीसों की लिखा हुआ है, काफिरों जब मुस्कुराए तो उनको गालियां दो, तो ये लोग हमें डेली गाली देते हैं। और सोखा बाबा जी आपको भी जय माता दी, तो ये लोग हमें डेली गालियां देते हैं और हमें लानतें भेजते हैं हमें, और ये जो अल्लाह अकबर बोलते हैं वो भी एक्चुअली में एक कंपैरेटिव है कि मतलब तुम्हारे मबूदों से अल्लाह बेटर है, तो इस तरह की चीजें ये लोग बोलते हैं और हमें ढेरों गालियां देते हैं।
अभी एक बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी मैं आपको पंचतंत्र की कहानी बताना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, कि एक सेठ था, वो बड़ा ही जो था वो कंजूस था और वो कभी पैसे नहीं खर्चता था। तो एक बार उसने दावत रखी तो सब लोगों ने कहा, वाह, इसने आज कैसे दावत रख दी। तो उन लोगों ने, वो वहां पहुंचे तो बहुत सारे व्यंजन और पकवान थे, पर उस सेठ की एक शर्त थी कि आप कोई भी चीज जो है अपना हाथ मोड़ के नहीं खाएगा, तो मतलब स्ट्रेट हाथ करके खाएंगे। तो अब सब लोग परेशान हो गए क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं खा पाएगा। तो अब वो कोई भी नहीं खा पा रहे थे, तो एक वहां पर बड़ा वाइज आदमी था, उसने बहुत ही बुद्धिमान था वो, उसने कहा कि आप लोग एक दूसरे को खिलाएं। तो अब मैं वापस आती हूँ इस बात पर। तो आज से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो ये है कि हम जितने भी सनातनी हैं हम एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे। देखिए, आप जब ईश्वर से अपने लिए मांगते हैं तो वो चीजें पूर्ण नहीं होती हैं ज्यादातर, क्योंकि वो सेल्फिश हैं, क्योंकि वो आप अपने लिए मांग रहे हैं। तो आज से हम एक दूसरे को खूब आशीर्वाद देंगे और खूब उनके लिए अच्छा कहेंगे। जैसे मैं प्रवीण चौधरी को, जय सनातन जी, सोखा बाबा जी, इंदिरा जी, और जय सनातनी जी, सरोज जी, और जितने भी हमारे इस सनातन परिवार में जो इस चैनल पे आते हैं और सनातनी हैं, मैं उन सब के लिए कहती हूँ कि ईश्वर उनको, उनके और उनके परिवारों को सुरक्षित रखे, उनको स्वस्थ रखे, उनकी इंद्रियां जो हैं तेज हो जाएं, वो निरोग हो जाएं, उनके घरों में सुखों का वर्षण हो, उनके घर में समृद्धि आए, उनकी उत्तम संतानें हो। तो हम लोग एक दूसरे को खूब आशीर्वाद दें आज से। यही एक तरीका है इनकी लानतों को काटने का। तो अब मैं अपना आज का चैप्टर शुरू करती हूं। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूं, वैसे मेरे लिए भी ये नया है, और छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं जिनको मैंने मिलाया है। तो अब जो है, मैं एक बात आपको कहूंगी कि ये आपने कभी किसी के चेहरे पर ये देखा है, घूमड़ सा यहाँ पर पड़ा होता है एक, वो क्यों पड़ा होता है? ये लोग जो उसको कहते हैं जबीबा, यानी इसको प्रेयर का वो कहते हैं घूमड़ा। तो जिसके ज्यादा मोटा पड़ा होता है तो ये लोग कहते हैं, अरे ये तो बड़ा अच्छा मुसलमान है। तो एक बात तो जितने लोग देख रहे हैं इस समय, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। 13 लोग जो दिखा रहा है मेरे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये लोग लाइक शेयर करते हैं तभी यूट्यूब उसको आगे जो है वो प्रमोट करता है, रिकमेंड करता है चैनल को, और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। और शुरू से हम इसको जानेंगे, बहुत लंबा स्ट्रीम नहीं है आज का, छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं, तो हम इनको जान लेते हैं ताकि हमको बाद में बातचीत करने में आसानी हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम ज़बीबाह देखते हैं, इसको प्रेयर बम्प भी कहते हैं, यानी नमाज का घूमड़ा। एक रेजिन कहते हैं किशमिश को, एक किशमिश की तरह जो शेप का एक स्पॉट है, जो कि मुसलमान बड़ा गर्व से जो है अपने माथे पर जो है वो सबके सामने प्रदर्शन करते हैं। वो दिखाता है कि ये कितने ज्यादा नमाजी और बड़े पवित्र टाइप के हैं, कि मुसलमान जो है जानबूझ के अपना जो माथा है कई बार जो है इस जमीन पर जानबूझ के मार देते हैं, मक्का की तरफ जो है वो नमाज पढ़ते हुए 5 बार दिन में, ताकि उनके ये घूमड़ा सा पड़ जाए, ताकि लगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा मुसलमान है। तो आपस में इनमें होड़ लगी रहती है। तो ये ओरिजिन जो इस फैशन स्टेटमेंट का है, ये जाहिलिया के जमाने से, जब इस्लाम आया नहीं था उसके पहले से था, जब मक्का वासी जो थे वो सजदा करते थे काबा के सामने, और काबा में जो 360 मूर्तियां थी जो उनके अलग अलग भगवानों की थी, जैसे कि लोग कहते हैं हुबल जो थे वो भी शिवा शिव शिव जी थे हुबल। तो खैर, ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो माथा है उसे जमीन पर जो है टिकाते हैं। तो ये दिखाता है पब्लिकली कि भाई हमने सबमिट कर दिया है, हमने अपने भगवानों की तरफ जो है सबमिट कर दिया है। और इस्लाम जो है वो सबमिशन को बिल्कुल स्लेवरी की तरह सबमिशन समझता है,
और जैसे बहुत सारे काफिर एफिलिएशन है, ये एक और प्रैक्टिस थी जो मोहम्मद ने काफिरों से चीटिंग करके जो है निकाल ली और उसको अडॉप्ट करके इस्लाम में लगा दिया। आज भी हम देखते हैं कोई किसी के अंदर भी जो एक्सटर्नल इम्परफेक्शन होते हैं उसको ये लोग साइन ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन देखते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक मेरे एक कोई दूर के रिश्तेदार है, वो ऐसे गांव का किसी ने करी थी मैरिज या पता नहीं कौन था वो, कोई दूर का, तो उसका उस आदमी को देख के मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो मैं बहुत छोटी होती थी तब मैंने देखा था उसकी बांह पर ना इतना बड़ा काला एक मस्सा था और उसमें बाल भी निकल रहे थे, इतना गंदा देखने में। पर मैंने कुछ कहा नहीं, तो मैंने ऐसे ही, मैं छोटी थी मुझे पता नहीं था ये क्या है, तो मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये ना वो है मस्सा है, तिल तिल जैसे मस्सा होता ना ये वो है। तो अगर इन लोगों के इस्लामियों के कुछ होता है तो इसको तो ये समझते आ रही है ये तो बड़ी अल्लाह की देन है, ऐसे मोहम्मद के कंधे पर एक बड़ा सा गंदा मस्सा था उसको ये कहते थे अरे ये तो भाई नबियों की सील है। तो ऐसे ही वापस आते हैं, तो पर आयरनी ये है कि जबीबा ये जो माथे पर जो एक वो बना होता है जो है घूमड़ा सा, वो इसको इसका स्पिरिचुअल परफेक्शन मानते हैं, मतलब कि ये इतना बड़ा नमाजी है, बड़ा पवित्र है, बल्कि ये एक्चुअली में किसी तरह का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अगर किसी के अंदर ऐसा घूमड़ा सा पड़ा हो तो इसको हम ब्रेन डैमेज भी मान सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है और उसमें अगर स्लाइट भी ब्लो डाल दें अगर सिर में, जैसे कई लोग जो है कहते हैं अपने बच्चों को सिर पे नहीं मारना चाहिए इससे उनके ब्रेन डैमेज हो सकता है, इससे लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं मानती हूँ, मतलब मैं छोटी थी तो मेरी माँ कहती थी सिर पर नहीं मारना चाहिए कभी किसी को, क्योंकि सिर पर मारने से कंकशन हो जाता है यहाँ पर मेडिकल टर्म्स में। वैसे मैं आपको बता दूं जो किताब मैं पढ़ रही हूँ वो पीपल वर्सेस मोहम्मद है और वो एक साइकाइट्रिस्ट है डॉक्टर जे के शाइनलिन, उनकी द्वारा लिखी हुई है। ये किताब अली सिन्हा जैसी नहीं है, ये फर्क किताब है, क्योंकि अली सिन्हा ने एक कल्ट कंपैरिजन किया है अपने मोहम्मद का बहुत सारे कल्ट लीडर से, उसका नेचर कंपेयर किया है, जबकि जे के शाइनलिन ने मोहम्मद का साइकाइट्रिक इवेल्युएशन किया है कि वो ऐसा क्यों था और इसके पीछे क्या रीजन था कि वो ऐसे कार्य करता था। तो यहाँ पर हम आगे फिर चलते हैं, तो ये जो है डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि अगर किसी के ऐसे घुमड़ा पहले से पड़ा हो यानी, तो वो एक तरह का ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक बहुत डेलिकेट पार्ट है और उसमें थोड़ा सा भी ब्लो लगने से है लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ, मुझे एक बात और ध्यान आई कि एक इंग्लिश की मूवी आई थी, बड़ी प्रसिद्ध मूवी थी वो, बड़ी फेमस, उसका नाम था माइकल केन केन करके कुछ थी, उसमें सिर पर वो मार देता है तो वो कुछ और बन जाता है, उसकी डबल पर्सनैलिटी हो जाती है एक्सेट्रा, ऐसी बड़ी फेमस एक मूवी थी। जी राज वशिष्ठ जी कह रहे कंजरों के माथे पर कलंक, जी खुद साला इतना पैसा खराब करता है सूट पर और सेना जवान को घंटा देता है। जी राधे राधे आप सबको, सचिन मिश्रा जी, वलीद खान जी, ठीक है, प्रवीण चौधरी जी, जी हाँ कलंक होता है। चलिए आगे चलते हैं, तो अब चूंकि वो एक जीलस पेगन था, यानी कि मोहम्मद पहले तो काफिर होता था और स्पिरिचुअली जेलस था, तो उसने ओवर एंथुजियास्टिकली जो है जो ये काफिरों की वर्शिप करता था वो बहुत ज्यादा जेलस किस्म का था, वो चाहता था, क्योंकि बचपन में वो बोना और मोटा था तो लोग उसको चढ़ाते थे, तो वो हो सकता है ज्यादा पूजा करता हो जो काफिरों के देवी देवता हैं, तो वो अपना सिर मार देता हो जमीन पर ताकि वो दूसरों के सामने दिखा सके कि देखो मैं कितना पूजा पाठी हूँ। और जब वो मेडिटेट करता था, मतलब मेडिटेट क्या, सेक्सुअल फैंटेसी करता था जो हीरा की गुफा थी, तो फिर हमने पहले ही प्रूफ किया था कि वो हशिश भी उसके ब्लड में थी और वो वहां पर जाकर जब सेक्सुअल फैंटेसीज करता था तो वहां पर वॉल्केनिक गैसेस उसके उसने इनहेल करती थी,
तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये इम्प्लॉसिबल नहीं है कि एक आदमी ने जो है वहां पर अपना दिखाने के लिए कि अरे मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, वो कोई वहां पर नमाज नहीं पढ़ने गया था हीरा की गुफा में, वो वहां जाकर लेटा हुआ सेक्सुअल फैंटेसीज करता था और अपना सिर जो है उसने कई बार वहां पर पत्थर पर मारा होगा वहां पे फर्श में कई दिन तक, क्योंकि वो बहुत दिनों तक था वहां पे। तो उसने मोहम्मद के बार बार हेड स्मैकिंग से जो है उसका जो न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है वो भी हो सकता है कुछ टूट फूट गया हो और उसके वजह से उसको पहला साइकाइट्रिक हेलुसिनेशन हुआ हो। हालांकि हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले पिछले वाले अध्याय में कि वहां पर जो वॉल्केनिक गैसेस थी, क्योंकि वो जो पर्वत था वो वॉल्केनिक पर्वत था जो कि एक्टिव नहीं था, और वो वॉल्केनिक के गैसेस उसके अंदर भरी हुई थी तो इससे, और हशीश उसके ब्लड में थी तो इससे भी उसको हेलुसिनेशन था और सेंसरी डेप्रिवेशन और ये सारे कारणों से, और प्लस उसने कई बार अपना सिर दे मारा पत्थर पर अपना ये घूमड़ा पैदा करने के लिए, तो उसका न्यूरोलॉजिकल कुछ डैमेज हुआ। और मेडिकली स्पीकिंग अब तो ये डिस्कवर भी कर दिया गया है कि बहुत सारी ब्रेन इंजरीज जो ट्रोमेटिक होती हैं उनकी वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है और पैरानॉइड डिल्यूजन्स भी होते हैं, जिसमें पीरियोडिकल ऑडिटरी यानी कि समय समय के साथ ऑडिटरी मतलब सुनने वाले और विजुअल मतलब देखने वाले हेलुसिनेशन होने लगते हैं, और ये सारे इंड्यूस्ड पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिक साइकोसिस कहते हैं इसको, मतलब कि इसके अंदर पैरानोया भी होता है और सिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं। सिज़ोफ्रेनिक मतलब है कि आपको लोग दिखाई देने लगेंगे, आवाजें सुनाई देने लगेंगी, और पैरानोया मतलब कि एक तरह का कि लोग आपको चालों से मारना चाहते हैं, इस तरह का पैरानोया। तो पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिक साइकोसिस है ये मेडिकल टर्म्स में। तो इसलिए ये जो बड़ा अजीबोगरीब रिचुअल कंपल्शन था कि सिर मारने वाला पत्थर फ्लोर पे, तो ये बताते हैं कि मोहम्मद ने कैसे जो है लॉन्ग लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप कर ली, जिसमें सिज़ोफ्रेनिया भी शामिल है, जिसने उसको प्रवोक किया कि वो इस तरह का इरेशनल बिहेवियर जो है डिस्प्ले करे अपनी पूरी लाइफ में। तो अब ये कहना कुछ दूर दराज की बात होगी कि मोहम्मद ने कुछ ब्रेन ट्रॉमा भी सफर करा अपनी इस रिलीजियस जो कार्य करता था ना कि पत्थर पर सिर मारना जिससे कि मोटा घुमड़ा सा हो जाए, तो ये एक रिडिकुलस फॉर्म ऑफ सेल्फ अब्यूज था, मतलब खुद को अब्यूज करना जो कि रिडिक्यूल के काबिल है, मतलब उसके मजाक बनाने के काबिल है, जस्ट टू कीप अप अपीयरेंसेस यानी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना पूजा पाटी हूँ, मैं कैसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कितनी बार नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो अल्लाह का बड़ा मानने वाला हूँ, कि ये जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग था इसने कुछ ब्रेन डैमेज कर ही लिया था, ये हम कह सकते हैं बड़ी सर्टनिटी से कि इसके अंदर ब्रेन डैमेज हो गया था। हाँ, और यहाँ पर जो है डॉक्टर शैंडलिन कहते हैं कि एक मिनट, क्या नाम था इसका, जिबाबी, क्या एक मिनट, इसका नाम क्या था, जिन लोगों को नहीं पता कि जेबीबा ये क्या चीज है, तो मैं आपको जो है दिखाती हूं कि ये नमाज लोग पढ़ते हैं तो उनके जो घुमड़ा हो जाता है उसको कहते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखता है जैसे इन सहाबाओं, ये जो है ये देखिए इसके मुंह पे, यहाँ पर सिर पर ऐसे घुमड़ा सा पड़ा हुआ है ना, ये देखो ये इसके सिर पर एक ये पड़ा हुआ है, इजिप्ट का है ये, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये देखिए, तो जिसका जितना ज्यादा बड़ा घुमड़ा है उतना ही वो समझते हैं तो बड़ा अच्छा नमाजी है। तो ये देखिए ये घुमड़ा पड़ा हुआ है इन दोनों के, ये देखो घुमड़ा पड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से इनके घुमड़ा, ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, ये घुमड़ा पड़ा हुआ है इसके, तो ये सब घुमड़ा ये लोग जानबूझ के, कई लोग जो है ये मुसलमान ये जानबूझ के अपना फर्श पर सिर मारते हैं ताकि बड़ा सा हो जाए, ताकि लोगों को दिखाने को हो जाए कि देखो
ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, ये तो बड़ा पवित्र, बड़ा वैसा मुसलमान है जो बड़ी प्रेयर कर रहा है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये मोहम्मद जब हीरा की गुफा में था तो इसने कई बार जो है पत्थर पर सिर मारा, तो इससे जो ब्रेन डैमेज इसको शायद हो गया है न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि पत्थर पर सिर सिर मारने से ब्रेन जो है डेलिकेट होता है, उसको जरूर नुकसान पहुंचता है। तो यहां तक तो था हमारा जेबीबा वाला चैप्टर। अब हम अगले वाले टॉपिक पे आते हैं। ये जबीबा खाली एक एक पेज का था। अब दूसरा चैप्टर है सिफिलिस। सिफिलिस एक बीमारी है जो कि एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। तो जैसा कि हमने पहले भी अनकवर किया कि हमें पता है कि मोहम्मद ने एक साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ उसको जब वो 40 साल का हो गया था, और उस स्पेसिफिक एज में वो उसके लिए एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से। और डॉक्टर शाइनलिन ने एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ऑलरेडी दे दी है, जैसे उसको ओसीडी था, उसको गॉड कॉम्प्लेक्स था, उसको अजारोगोफोबिया था, यानी कि हिस्ट्री में उसका नाम खत्म ना हो जाए इसका डर था। इस तरह इसके बहुत सारे फोबिया थे, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, और हाइपोथेटिकल एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी लिस्ट दी है जो कि रहे होंगे, जैसे कि हीरा की गुफा में वॉल्केनिक गैसेस उसने सूंघी, तो उस समय जैसी परिस्थितियां थी, 12 किलोमीटर वहां से मक्का से वो गुफा थी जहां वो तपती धूप में गया, उसका खाना भी खत्म हो गया, तो उसको सेंसरी डिप्रिवेशन भी हो गया, आइसोलेशन भी हो गया। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं मोहम्मद के बारे में, लेकिन अनफीजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं थी। और ये इस आदमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी जो कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी जिसने अफेक्ट किया था, वो थी सिफिलिस। अब ये डॉक्टर शाइनलिन जो हैं, ये एक साइकाइट्रिस्ट हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है और एक साइकाइट्रिस्ट है। तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में ये फर्क होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो खाली आपकी बातें सुनता है और आपको जो है कुछ कहता नहीं है, वो आपसे ही सलूशन मांगता है। साइकोलॉजिस्ट, पहले मैं अपनी लाइफ में बहुत शर्माती थी, तो मैं बोल नहीं पाती थी, और जब मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो यहाँ पर कुछ मार्क्स जो होते थे वो इस बात के होते थे कि आप जो है क्लास में क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोफेसर होता था वो क्लास में पूछता था, मास्टर्स जब मैं कर रही थी तब, तो उसने जब भी वो क्वेश्चन पूछता था तो वो बोलता था प्रीति यू आंसर दिस, ऐसे वो नाम लेके उठा के पूछता था। तो मुझे बड़ा डर लगता था, मेरा दिल घबराने लगता था और बहुत जोर जोर से मेरा दिल धड़कने लगता था, और मैं बड़ी देर तक मेरी जब वो और फर्स्ट लाइन के जो पहली मैं सेकंड वाले उसमें बैठती थी रो में, पहले रो के बच्चों को पूछ रहा होता था, तभी मैं उसको जो है अपने दिमाग में रिहर्स कर रही होती थी, ये क्या है वो क्या है। इवन अटेंडेंस के लिए भी मेरा दिल घबराता था है हाँ बोलने के लिए। तो मैं एक वहाँ जो यूनिवर्सिटी का एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो फ्री होता है, मतलब चार्ज उसका, तो मैं उसके पास गई थी ये बोलने के लिए कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, मतलब कि मैं क्लास में आंसर कर सकूं। तो मैं ये आपको खाली ये बताना चाह रही हूँ कि वो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ नहीं मेरे को सुझाव दिया, बस वो खाली बैठ के सुनता था। तब मुझे पता चला कि साइकोलॉजिस्ट कभी कुछ नहीं बताते, वो आपसे ही पूछते हैं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और धीरे धीरे मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ही उसको बोला कि भाई देखो इसका मतलब वो मुझे कोई मार, तो अगर मेरा आंसर गलत भी हुआ तो वो मेरे को कौन सा चाकू से मार देगा। तो इससे ही मुझे बहुत राहत मिल गई, मैंने खुद ही सोल्यूशन ढूंढा। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, बल्कि साइकाइट्रिस्ट कर सकता है। तो ये किताब जो है वो साइकाइट्रिस्ट ने लिखी है, साइकोलॉजिस्ट ने नहीं लिखी, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये साइकाइट्रिस्ट बता रहा है कि इस आदमी को सिफिलिस था, और इस वजह से भी उसके दिमाग में साइकोलॉजी जो है चेंज हो गई। अब बहुत सारे सिम्टम्स हैं इस डिजीज के, तो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं कि सिफिलिस जो है वो किस तरह की डिजीज है। तो चलो हम थोड़ी सी इमेजेस देखते हैं कि सिफिलिस वाले लोगों को किस टाइप का सिम्टम होता है। पहले हम तो अपनी जानकारी कर लेना।
एक मिनट, ये देखिए कुछ सिफिलिस के वो हैं कि देखो ऐसे सिफिलिस किसी को होता है तो उसके ऐसे से आपने देखा ना ऐसे दाने दाने से हो गए हैं उसके हाथ में, मतलब लाल 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 स्पॉट्स हो गए, ये सिफिलिस की निशानी है। ये देखिए ये सिफिलिस की निशानी है, हाथ ऐसे होना और पैर ऐसे होना, ये देखिए पैर भी ऐसे होना, तो ये सब सिफिलिस की, और जबान इस तरह से छाला हो जाना, ये सब सिफिलिस की है। और ये देखिए छाती पर भी हो गए हैं इसके इस तरह के दाने, ये सब सिफिलिस की निशानी है। ये देखिए जबान पे इसके हो गए हैं, ये सिफिलिस की निशानी है। इस तरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये देखिए ये सिफिलिस की निशानी है, ये देखिए इस तरह से सिफिलिस के हमने देख लिए। चलिए अब किताब पढ़ते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इस डिजीज के हैं, जो कि स्टैंड आउट करते हैं, मतलब दूर से ही दिखाई देते हैं, और उसके फैक्टर्स जो है वो डिनाई नहीं किए जा सकते। मेडिकली स्पीकिंग, अगर कोई इंसान ये जो सिफिलिस से सफर करता है तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाता है, और टेस्ट ये शो करते हैं कि इंक्यूबेशन है वो इंस्टेंटेनियस है। इंक्यूबेशन मतलब कि जब वो चीज जन्म ले रही है, अंकुरित हो रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब एकदम से हो जाएगा। एक्चुअल फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो 10 या 30 साल तक भी डोरमेंट रह सकते हैं, मतलब कि अपियर नहीं हो सकते। जैसे किसी को सिफिलिस सेक्स के थ्रू पास हो जाती है तुरंत ही, लेकिन हो सकता है उसके दाने जो हैं 10 से 30 साल में ना निकले और बाद में निकले। तो मेन इसका सिम्टम, इस डिजीज का ये है कि डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया मतलब कि ये लास्ट साइन है जब कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो डिटेरिएट करने लगती है। तो डिमेंशिया मतलब जब आप भूलने लगते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूरोसिफिलिस है ये लिंक्ड है सीजोफ्रेनिया साइकोसिस से, यानी एक तो सिफिलिस है और दूसरी है कि न्यूरोसिफिलिस यानी न्यूरोलॉजिकल सिफिलिस वो भी हो जाती है, और वो उसका लिंक है सीजोफ्रेनिया से, जो कि हमें पता है मोहम्मद को सीजोफ्रेनिया था क्योंकि उसको लोग दिखाई देते थे, जैसे उसको जिब्रील दिखाई दिया और वो बातें कर रहा था तो लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, तो सिजोफ्रेनिया है और साइकोसिस भी है, तो ये न्यूरोसिफिलिस भी इससे लिंक्ड है। तो अब हमें ये आता है कि अब हमने ये बात कह दी कि भाई मोहम्मद को न्यूरोसिफिलिस था और सिजोफ्रेनिया साइकोसिस भी था और ये चीजें लिंक्ड हैं। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि इस ओरिजिन कैसे हुआ इस इन्फेक्शन का। तो हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि मोहम्मद जो है अपने 25 साल तक, जब उसकी खदीजा से शादी नहीं हुई थी तब तक वो चेस्ट था, चेस्ट मतलब पवित्र था। मोहम्मद जो है 25 साल तक हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पवित्र था, mid-20 तक, जब उसने खदीजा से शादी की 25 साल तक, तब तक वो पाक पवित्र था। अगर उसकी सिम्टम्स जो है वो फुल मैच्योरिटी पे आ गए एज 40 पे, तो अगर 40 साल में उसके ये सिम्टम आते हैं तो ये जो है रूल आउट कर देगा कि वाइफ उसकी कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब बीवी से नहीं आया, उसको खदीजा से नहीं आया, क्योंकि इसको लगते हैं 10 से 30 साल, क्योंकि 15 ही साल बीते थे, 25 साल में अगर उसने खदीजा से शादी करी तो 25 प्लस 15 40, यानी कि अगर उसके सिम्टम्स जो हैं वो 40 में आए तो यहाँ तो 15 ही साल हुए हैं, तो जब उसने 40 साल में तो उसको पहला साइंस हुए सीजोफ्रीनिया का, जब उसको जिब्रील दिखा था तब वो 40 साल का था, और वो 15 साल बाद दिखा उसको। तो यहाँ 25 साल में उसने खदीजा से शादी करी, तो जब वो 40 का हुआ तब जाके उसको ये जिब्रील दिखा था। तो ये बहुत अर्ली है किसी सिफिलिस रिलेटेड साइकोसिस के लिए, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड होता तो इसका मतलब कि वो
चाइल्ड होता तब से वो इन्फेक्टेड होना पड़ता, जब जाके उसको ये पड़ता, वही आती मतलब। तो जैसा हमने पहले अपना साइको सेक्सुअल एनालिसिस किया था कि डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि मोहम्मद जो है उसका रेप हुआ होगा 8+ ईयर्स में क्लोज फैमिली मेंबर के द्वारा, यानी जब वो 8 साल का था तकरीबन, अराउंड 8+, तब उसका रेप हुआ होगा और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंकल ने किया होगा, तो जब वो उसके अंकल की केयर में रहता था। और हमें बहुत सारी हदीसों से ये भी पता है कि अंकल जो है उसको पास में सुलाता था, उसका बदन उसको सॉफ्ट लगता था, ये वो। तो इस बंदे का रेप हुआ था मोहम्मद का, तो इसको सिफिलिस 8 साल में हुई होगी, क्योंकि उसका जो बाद में अटैक पड़ा वो 40 साल में, तो इतने साल तक वो जो है डोरमेंट के होने के बाद उसको अटैक आया। तो इसका मतलब बीवी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, क्योंकि बीवी से तो 15 ही साल में वो मैरिड रहा। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि उसने ये डिजीज जो है अपने अंकल से ली, क्योंकि उसका अंकल जो है सिफिलिस से शायद सफर करता था, क्योंकि जब वो कि उसने ये डिजीज अपने अंकल से ली, क्योंकि वो चाइल्ड जब था तो वो अब्यूज हुआ उससे अपने अर्ली टीन तक, क्योंकि वो अंकल के पास रहा। तो हमने ये भी देखा कि उसकी जो चाची या मौसी थी वो भी उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी, हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा है, उसे एडिपस कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है। तो कोई इस चीज को राइजेबल और रिपग्नेंट नोशन समझता है, पर ये कोई प्रीपोस्टरस आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब आप कहो कि अरे आप तो अपने मन से ही बनाए जा रहे हो, तो ये मन से बनाने वाला आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने इसके बाद होमोसेक्सुअलिटी का भी डिजायर जो है वो एक्सप्रेस किया। और आप लोगों को पता होगा कि जो लोग होमोसेक्सुअल क्यों बनते हैं, क्योंकि बचपन में उनका शायद अब्यूज हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था एक आदमी के साथ। तो हालांकि मुसलमान इस एलिगेशन को नहीं मानेंगे, पर हम फर्दर एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो चाइल्ड अब्यूज का कल्चर है, ये बहुत समय से डॉक्यूमेंट किया गया है, एंशंट टाइम से, स्पेशली ग्रीस और अफगानिस्तान में। और अगर हम बच्चाबाजी पर अगर जो है सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि बच्चाबाजी क्या होती है, कि बच्चों के साथ जो है आप छुटपन में, अब यहाँ मदरसों में होता है। तो उसका अंकल जो था अगर हाईली वेनरेटेड था इस्लाम में, तो ये अनथिंकेबल है कि भाई इसको इंसिनुएट करना कि आदमी जो है कैरियर है सिफिलिस का। लेकिन अगर हम प्री इस्लामिक रिलीजियस ट्रेडिशन देखें तो यहां पर बच्चाबाजी चलती थी ग्रीस और अफगानिस्तान में। तो अब हम याद करें कि मक्का का जो काफिर रिलीजन था वो एक फर्टिलिटी कल्ट था, और जो आइडल्स रखे हुए थे काबा में वो एडॉप्टेड थे सारे कॉर्नर्स ऑफ मेसोपोटामिया, बेबीलोन और पर्शिया में। आपको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी है, और इसी तरह ग्रीक भी और इंडस वैली भी, ये सब। तो ये जो चीज थी ये मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन और पर्शियन में ये आइडल्स को मानते थे, और ये आइडल्स को फर्टिलिटी के लिए मानते थे, यानी बच्चे बच्चा देने के लिए। ट्रुथ ये है कि जितने भी काफिरों के गॉड्स थे वो फर्टिलिटी राइट से जो थे एंट्रेंच्ड थे, मतलब कि सारे इनके रिचुअल्स थे वो बच्चा लेने के लिए थे। ये देखो कि काबा का जो पत्थर था, आपको पता है कि नंगे हस्बैंड वाइफ जो है चक्कर लगाते थे उसके, जब शिवलिंग के, वो जो काबा में रखा हुआ शिवलिंग है जिसको कि ये अपना समझ के पूछते हैं, तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से वो उनको बच्चा मिलता था। तो ये एक सर्टेनिटी है कि पीरियोडिक ओर्जीज एट द श्राइन, यानी ओर्जीज कहते हैं गंदी चीज, मतलब दो या तीन के साथ करना और इस तरह के विकृत सेक्स को, तो ये श्राइन के पास ये ट्रेडिशनल ऑनर करते थे 360 डीटीज का, इंक्लूडिंग डायोनिसस, डायना ऑफ इफेसस एंड ऑफ कोर्स होबल बाल ऑफ
हुम स्पेकुलेटेड टू हैव लेटर बिकम अल्लाह। अच्छा, मतलब ये बाल ही अल्लाह बन गया। बाल तो हुबल जो था वो तो शिवजी थे, तो वही अल्लाह थे। अच्छा, इट्स हार्ड टू रिफ्यूट कि ये एक फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि जो भी काबा में जाते थे रिलीजियस ऑब्लिगेशन, वो 7 बार उसकी परिक्रमा करते थे नंगे होकर, तब उनको ये बच्चा मिलता था। तो बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो बहुत ग्राफिक हैं कि ये इस्लामी हिस्ट्री बुक्स में जोड़े जाएं। तो ये जो अंकल था और इसके क्लैन के मेंबर्स थे, वो इसी तरह की ऑर्गियास्टिक प्रैक्टिसेस में थे। मतलब ये नंगे होकर और ये सब करते थे, ये इनके ये रिचुअल्स थे कुछ जो ये करते थे। अगर मक्का वासी जो है अपने पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसको हुबल को कुर्बान कर देते थे, तो इसका मतलब वो ऑर्जीज करते थे कि डायोनिसिस, ये जो है ये देवी है कोई, मैं इसके बारे में थोड़ा जान लूं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, कोई ग्रीक सा नाम लग रहा है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर सर्च करके देख लेते हैं कि ये कौन है। देखा, ये ग्रीक गॉड है, ये गॉड ऑफ फर्टिलिटी है और कंसिडर्ड अ पेट्रन ऑफ आर्ट्स। इसने वाइन बनाई और आर्ट ऑफ विटिकल्चर दिया। इसका ड्यूअल नेचर है, एक हाथ में ये जॉय लाता है और दूसरे में ये ब्रूटल रेज लाता है। कि ये बताता है कि शराब पीने के दो डुअल नेचर है, एक तरफ तो शराब गुस्सा और क्रूरता निकालता है और दूसरी तरफ खुशी और एक्सटेसी लेकर आता है। तो ये फर्टिलिटी का देवता है डायोनिसिस, ठीक है, शराब का और फर्टिलिटी का। तो ये बता रहा है कि तो ये इस तरह से करता होगा इसका अंकल। अगर ये केस है तो फिर ये एक इजी टास्क था कि इनको बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई होंगी। अगर उसका अंकल जो था वो कैरियर था सिफिलिस का, कैरियर उसको कहते हैं जिसके खुद के सिम्टम्स नहीं होते पर वो एक से दूसरे में ट्रांसफर करने वाला होता है, सिर्फ कैरियर ऑफ सिफिलिस था और अनोइंगली उसने जो है बिना जाने बिना जानबूझ के इन्फेक्ट कर दिया मोहम्मद को जो उसका भतीजा था। तो जो फिजिकल सिम्टम्स थे इस डिजीज के, उनको 30 साल लगे कि वो मोहम्मद के ऊपर उभरे और उसके सीजोफ्रीनिया साइकोसिस को जन्म दे। इसका मतलब कि जब अगर मोहम्मद ने 40 साल में उसको पहली वही आई तो साइकोसिस सीजोफ्रीनिया था और ये सिफिलिस से रिलेटेड था, न्यूरोसिफिलिस से, तो इसको 30 साल लगे होंगे। तो ये 10 वर्ष का रहा होगा, 8+ ईयर्स का, जब जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये अपने अंकल से और इसके 30 साल लगे, तब ये 40 साल का हो गया, तब ये सारी चीजें इसको होने लगी। तो अब ये बहुत सारी चीजें जो हैं बॉयल डाउन करती हैं शीयर कोइंसिडेंस से। अगर तो बंदा एक्नॉलेज करे कि कोई और सोर्स नहीं था सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का जहां पर मोहम्मद को ये इन्फेक्शन लगा हो उसके अंकल के अलावा, मतलब अगर रिगार्डलेस ये सिफिलिस रिलेटेड साइकोसिस के बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स इस डिजीज के, जिसको सिफिलिस होती है उसको क्या सिम्टम होते हैं कि उसको इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब उसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है चाइल्ड बर्थ में अगर वो वुमन हो, कॉन्जेनिटल इलनेसेस हो जाती हैं यानी गुप्तांग की बीमारियां हो जाती हैं। इंटरेस्टिंगली मोहम्मद जो है वो फार फ्रॉम स्टेराइल था, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो स्टेराइल तो नहीं था मोहम्मद, क्योंकि 3 बच्चे उसके जो हैं वो छुटपन में मर गए थे, जो कि कॉन्जेनाइटल कंडीशन से मरे थे, ऐसे ही नहीं मर गए थे वो। अगर ऐसे लोगों के बच्चे भी होते हैं ना तो वो पैदा होते ही मर भी जाते हैं। तो उसके 3 बच्चे जो हैं सडनली मर चुके थे, जो उसके लड़के हुए थे, जो भी उसका जो सेकेंड सन था अब्दुल्ला, जो कि खदीजा से पैदा हुआ था, वो मर गया जब मोहम्मद 45 ईयर्स का था। और उसका जो तीसरा बेटा इब्राहिम था, जो कि मारिया किप्तिया का था, जो कि उसे पक्का पता भी नहीं है कि वो उसका अपना बेटा था, क्योंकि एक हदीस आती है जिसमें वो आयशा से पूछता है कि इसके घुंघराले बाल हैं तो ये मेरे जैसा लगता है, तो आयशा ने कहा नहीं, वो भी बचपन में मर गया था जब प्रॉफिट जो था 60 ईयर्स का था। तो अगर हम ये सारे सिम्टम्स देखें सिफिलिस के, कि ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है चाइल्ड बर्थ में और कॉन्जेनिटल इलनेसेस होती हैं,
तो ये उसको अफेक्ट करा एज 45 के ऊपर। तो ये थ्योरी सर्टनली सब्सटेंशिएट करती है कि उसके बच्चे इसीलिए मर जाते थे, छोटे छोटे उसके लड़के मर गए, अन्यथा उसके जो दो बेटे मर गए तो वो बचपन में क्यों मर गए। तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज जो थी, सिफिलिस उसको हो गई थी, उसी से था। और उसका जो पहला बेटा था कासिम, वो तो इन्फेंसी में ही मर गया था जब वो नवजात बच्चा था, और वो सोलली एट्रिब्यूटेड टू खदीजा, क्योंकि उस समय ये इसने गलत लिखा है कि वो 48 की थी, एक्चुअली में वो मोहम्मद के उम्र की ही थी। तो अगर अगर मोहम्मद को सिफिलिस थी तो ये हाईली अनलाइकली है कि चाइल्ड डेथ जो है वो हम इस डिजीज को ही एट्रिब्यूट करेंगे, यानी सिफिलिस की वजह से वो मरा, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो 33 इयर्स का था। और खदीजा जो थी वो तो हालांकि मेनोपॉज में जा रही थी, तो उसने अपने बच्चे जो थे उसके एक साइजेबल फ्लॉक था, जब अगर हम इसको भी नजरअंदाज कर दें कि उसके हस्बैंड का हाइपोथेटिकल एफ्लिक्शन था, ये कंफर्म करता है कि वो खदीजा जो थी वो उसने डिजीज को पैदा नहीं किया था, ना ही उसने कोई सिम्टम खुद डेवलप किए थे, जबकि उसकी चार बेटियां भी पैदा हुई थी। उसके सारे बच्चे जो हैं सरवाइव करे विदाउट कॉम्प्लिकेशन, जो जो भी बच्चे सरवाइव करे, और जो कि एडल्टहुड में गए, ये बच्चे जो हैं तब बॉर्न हुए जब मोहम्मद जो था अर्ली मिड 30 में था। तो ये कोरिलेट करता है फैक्ट कि कॉम्प्लिकेशन इस डिजीज का जो हुआ वो उसको मिड 40 में हुआ। इंटरेस्टिंगली ये भी हाईली सस्पिशियस है कि उसकी दूसरी बीवियां, जबकि वो मतलब विराई, मतलब वो हरी भरी थी, मतलब उनके बच्चा हो सकता था, और वो छोटी भी थी, यंग, वो उन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया। मोहम्मद ने कितनी सारी लड़कियों से शादियां की पर किसी के कोई बच्चा नहीं हुआ, एक्सेप्शन ऑफ मारिया स्लेव, लेकिन उसके एक ही बेटा हुआ, और वो भी उसके अपने यार से हुआ था जिसको मोहम्मद ने मरवाने के लिए किसी को भेजा था, और वो भी मर गया था। तो ये भी नहीं पता वो मोहम्मद का था कि वो उसके यार का था। मोहम्मद जो है वो कॉपुलेट करता था बहुत सारे लोगों के साथ डेली, कोई उस समय उसकी 11+ बीवियां थी और बहुत सारी डजन्स ऑफ कॉन्कुबाइंस, मतलब उसकी रखेलें थी, लेकिन किसी ने भी कोई बच्चा पैदा नहीं किया। आयशा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो परमानेंटली डैमेज हो गए थे जब उसने उसको रेप किया था जब वो 9 साल की थी। तो क्या ऑड है कि उसकी हर बीवी जो थी उस स्टेरिलिटी में हो गई। आप ये बताइए, किसी मुसलमान से पूछिए कि इन सारी बीवियों के कोई भी बच्चे क्यों नहीं हुए मोहम्मद से, क्योंकि मोहम्मद ऐसा था। ये नहीं कि ये बीवियां सारी स्टेराइल थी, सारी की सारी कैसे बांझ हो सकती हैं, वो तो इतनी छोटी थी तो सारी ही बांझ हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मोहम्मद में ही था प्रॉब्लम। तो ये हाईली कॉन्टेजियस था, 45+ का हो गया, तो इसको सिफिलिस इसकी तेज हो गई थी, क्योंकि अब उसके सिम्टम आ गए थे। तो उसने अपने हरम को, हरम यानी जहां पर वो महिलाओं को रखता था, उसको इन्फेक्ट कर दिया था, जैसे कि उसके अंकल ने उसको सिफिलिस दी थी, ऐसे ही इसने सबको सिफिलिस जो है हरम में बांट दी। इसी समय हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि वो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स स्लेवरी में भी इंडल्ज करता था, मतलब वो इसमें भी इन्वॉल्व था, प्रोस्टिट्यूशन में और सेक्स स्लेवरी में, ये भी उसके रिजल्ट हुआ होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिफिलिस, और ये इसने भी उसकी बीवियों की बांझपन को कंट्रीब्यूट किया। अगर आप इस थ्योरी को अटैक करोगे, स्क्रूटिनाइज करोगे, तो डॉक्टर शाइनलिन चैलेंज करते हैं किसी को कि आप एविडेंस को देखो और फिर बताओ कि कैसे एक आदमी जो 40 साल का था उसके अंदर कंप्लीट साइकाइट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग समझा जाता है, उसको साइकाइट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये इररिफ्यूटेबल है कि जो ट्रोमैटिक अगर एक्सटर्नल फैक्टर है, चाहे वो एटमोस्फेरिक हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, वो उसने इस आदमी को इतना अफेक्ट कर दिया कि इसको सीजोटिपिकल बिहेवियर हो गया और सुसाइडल जो है इसकी आइडियोलॉजी हो गई। तो जैसा कि भगवान ने, जैसे गॉड ने इसको चूज किया नबी,
तो फिर ये कैसे फेल कर गया कि इसने अपनी छोटी छोटी जवान बीवियों को भी गर्भवती नहीं कर पाया, और क्यों इसके दो बच्चे जो हैं अचानक से मर गए, कोई मुसलमान ये बताए डॉक्टर शाइनलिन को, वो ये पूछ रहे हैं। और अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस एक पैराग्राफ रह गया है, वो ये कि टू बी फ्रैंक, डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं मोहम्मद को पता था कि उसके अंदर कुछ गलती, कुछ कमी है, और उसको ये भी पता था कि उसके अंदर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है, और बाद में जब 40 साल के ऊपर वो था तो उसको विजिबल साइंस दिखने लगे सिफिलिस के, क्योंकि उसकी जो दाने दाने से होते हैं तो इसमें जो है लार्ज अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है सिफिलिस में, और वो इसीलिए बार बार धोता था अपना हाथ, स्पेशली जेनिटल क्लेंलीनेस रखता था, क्योंकि उसको लगता था टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, इसीलिए वो अपने सारे हाथ 3 बार धोना, हर चीज को बहुत ज्यादा बार बार, ओसीडी डेवलप हो गई उसको, इसलिए क्योंकि वो उसको दिखने लगा ये निशानात सिफिलिस के, जो बड़े बड़े अल्सर थे, और वो ऑब्सेस हो गया कि वो इस चीज का एक क्योर भी ढूंढे। तो उसने ये भी प्रिस्क्राइब किया लोगों को कि आप काला जीरा खाएं, खजूर खाएं, डर्ट खाएं और प्यूट्रिड वाटर खाएं पिए इस तरह। और हम ये भी नहीं भूलेंगे कि मोहम्मद ने एक बहुत बड़ा मेटास्टाइज का ट्यूमर था उसके बैक पे, यानी ट्यूमर के यहाँ पर ट्यूमर को अल्सर की तरह ट्रीट किया, उसके उसके पीठ पे था, जिसको लोग सील ऑफ प्रॉफिट हो, जो मैंने आपको कंधा बोल दिया था गलती से, वो जो बड़ा सा मस्सा था, एक्चुअली वो ट्यूमर भी हो सकता है जो उसकी पीठ पे था, जो कि ये सील ऑफ प्रॉफिट हुड मानते थे, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सिफिलिस है इसमें रैश हो जाता है, और अपर टॉर्सो में, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि आदमी की चेस्ट पर और पीछे अपर भाग में उसके टॉर्सो में ये हो जाता है, और ये बाद में म्यूटेट कर जाता है लिजन्स में, घाव में, रेडिश पेप्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे जो फुंसी जैसे दाने होते हैं पेप्यूल्स में, और नोड्यूल्स में, सेकेंडरी सिफिलिस होने की वजह से, यानी कि एक तो प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, उसके उसके बाद डेवलप करी है, तो ये इसके ये भी हो जाता है। और मेडिकल फैक्ट जो है ये परफेक्टली हदीथ के डिटेल डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें कि ग्रोथ ऑन इस बैक एंड फर्दर सब्सटेंशिएट्स माय आर्गुमेंट, अगर आप हदीस में डिटेल में देखें उस मस्से, जो भी उसके पीछे जो ट्यूमर था जिसको ये लोग कहते थे कि ये सील ऑफ प्रॉफिटहुड है, वो एक्चुअली में क्या था, वो सिफिलिस का ट्यूमर था, वो अल्सर जो उसको हो गया था बैक में अपर टॉर्सो में करता है ये। और फाइनल पीस ऑफ एविडेंस जो इसके कंफर्म करता है सस्पिशन की सिफिलिस जो है वो डेसिमेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब ये फैल जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में। तो अब डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि ये फिट बैठता है कि मोहम्मद जो था वो जब डेथ बेड में था तो उसने डिक्लेयर किया कि उसका जो एओर्टा है वो सीवियर हो रहा है, हालांकि उसने ये पॉइजन खाया था। ये वाइडली अग्रीड है कि क्या हदीस में लिखा है कि मैन सकम टू पॉइजन फेड बाय जोयस, की एक यहूदिन ने उसको जहर दिया था कि तो ये जो है डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये जो उसको एओर्टा उसका कसा जा रहा था वो सिफिलिस की फैलने से, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स में फैल जाता है, तो ये भी बात है, तो ये जो पॉइजन वाली जो यहूदिन ने दिया था ये भी हो सकता है, नहीं तो सिफिलिस ज्यादा, डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं ये आउटवे करता है उस पॉइजन से भी ज्यादा ये वाली बात कि सिफिलिस हुआ था उसको अंदर तक, और ये बात वो जूरी पर छोड़ते हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या ये आदमी की मैन ऑफ प्योरिटी बताता है या ये इम्प्योरिटी बताता है। तो मेरा आज ये समाप्त होता है, और मैं एक जो हूँ वो जी कबूतर के अंडे जैसा, बिल्कुल सही। तो मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ, अगर आप इस विषय में, अगर आपने पूरा ये सुना है आप तभी आके ऊपर बोलें, और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो टॉपिक है जबीबा, जो जो नमाज का जो या घूमड़ा पड़ा होता है वो, और सिफिलिस बीमारी, यही दो टॉपिक हैं, और आप ऊपर आके बोल सकते हैं। मैं 1 मिनट इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ।
जी मैंने डाल दिया है उसको पिन कमेंट में, और मैं थोड़े यहाँ पे कमेंट पढ़ लेती हूँ, तब तक आप लोग आके अपनी बात भी रख सकते हैं। सरोज प्रधान जी, जय सनातन आपको, जय माँ दुर्गा सभी को, जय सनातन जी, इंदिरा जी, प्रवीण चौधरी जी, जय माता दी। हाँ बिल्कुल, उसने बहुत लोगों को अपने हरम में ये दे दी थी सिफिलिस बीमारी। अग्निवीर को खत्म कर दो, अग्निवीर ये कहाँ से आ गया? प्रवीण चौधरी जी पता नहीं क्या क्या लिखते हैं जो कि उससे रिलेटेड ही नहीं है। सेक्सुअली ट्रांस डिजीज कॉन्टैक्ट दैट स्टार्ट्स एज अ पेनलेस सोर, सिफिलिस डेवलप्स इन स्टेजेस एंड सिम्टम्स वेरी विद ईच स्टेज। पर ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, ये कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जय श्री राम, जय सनातन। जन्नत की कार सर्विस ओला व उबर, अपने को घूमने आंदोलन जी कह रहे हैं जैसे कुछ कुत्तों के सिर पर घाव के चिन्ह होते हैं। हाँ कलंक होता है वो माथे पर, ये सब कंजरों के माथे पर होना चाहिए जिससे पहचाने जा सके। जी वलीद खान जी, राधे राधे। सचिन मिश्रा जी आपको भी, अनमोल पीर जी आपको भी नमस्ते। हर हर महादेव, जय माता दी। विनय सिंह मान जी आपको भी, राज वशिष्ठ जी आपको भी, जय माता दी। खीरा मंडी की गुफा जी, पोपट सेक्सोहोल्ला जी बिल्कुल, उसका दिमाग यही था, उसके अल्लाह भी। हर हर महादेव शिव कुमार जी, हर हर महादेव। विनय सिंह मान जी, यस आई एम यहूदी जी आपको भी जी। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्लॉन्ड हेयर हैं, तो मैंने भी अपने बहुत ब्लॉन्ड हेयर बहुत पहले करे थे जब मैं उनको मिली थी, लेकिन मैंने उनको बताया था मेरे ब्लैक हेयर हैं ओरिजिनली, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे को कोई मिलता ही नहीं था मैरिज के लिए, तो मैंने देखा कि ब्लॉन्ड लोगों को तो बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, तो मैंने अपने बाल ब्लॉन्ड कर, पर मैंने लिख दिया था अपने प्रोफाइल में कि मेरे ब्लैक हेयर हैं, किसी को धोखा देने से नहीं हो सकता। सर पटकने से दिमाग की नस ढीली हुई और लुल्ली की ओवर टाइट हुई थी पोपट की जी। सीजोफ्रीनिया तो बहुत असाध्य मानसिक बीमारी है। हाँ मेरे एक हस्बैंड के रिलेटिव को है, और वो छोटा सा लड़का है, वो दवाइयां खाता है, मैं कभी कभी उससे मिलती हूँ, म्यूजिक प्ले करता है वो जी, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। उसका मजाक ही उड़ा दिया। दीदी आज तो बहुत अच्छी स्ट्रीम कर रहे हैं, आजकल लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं। नहीं कल मैं मंदिर गई थी, तो मैं संडे संडे आजकल मंदिर जा रही हूँ, और मंदिर हम जाएंगे नहीं तो लोग क्यों आएंगे, अब मंदिर में आने चाहिए ना लोग। और क्या बोलते हैं, इंदिरा जी कल फ्री नहीं थे, तो इसलिए घूमरो घूमरो जी, मुस्लिम क्षेत्र में रह। अच्छा आप इतनी गंदगी में रहते हैं आंदोलन जी, उनको कन्वर्ट करिए किसी तरह, उनके दिमाग में शक का कीड़ा डाल दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, कुछ शक डाल दीजिए उनको, कन्वर्ट ना करिए, शक डाल दीजिए। सनातनी जी 5 वक्त नमाजी बिल्कुल, जितना बड़ा गुमड़ा उतना बड़ा ईमान वाला जी। प्रवीण चौधरी जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रीम भटकाते हैं, ये भटकाने वाले हैं, ये चाहते हैं जो टॉपिक हो रहा है उस पर बात ना हो बस। इंदिरा जी कह रहे हैं थोड़ा जोर से सर फोड़ के मार जाता तो सारा फसाद ही जड़ से खत्म हो जाता। हाँ वो तो है। फिर हमारे नरकों को कैसे पॉपुलेट होते हैं ये बताइए इंदिरा जी, स्वर्ग और नरक बनाने का मतलब ही क्या हुआ जब सारे ही स्वर्ग चले जाएंगे, कुछ लोग नरक के लिए भी तो बने हैं, इनकी पूरी कौम किसी न किसी बीमारी से। हाँ ये बिल्कुल सोचने वाली बात है सचिन जी,
जब ये इतना ज्यादा सेक्स सेक्स करते हैं और इधर उधर करते ही रहते हैं तो इनको जरूर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं। सेक्स का बैक्टीरिया वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दैट स्टार्ट्स एज अ पेनलेस सोर, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ जी, बिल्कुल सही। हाँ या एक्स मुस्लिम यास्मिन खान मेरे चैनल पे आ चुकी है और मैं भी उनके चैनल पे जा चुकी हूँ। ना रहता बांस ना बजती बांसुरी जी, इंदिरा जी कह रहे हैं। हाँ यहूदी, बचपन में मुझे भी बहुत डर लगता था, स्कूल जाओ तो टीचर मारती थी, ना जाओ तो घर वाले कूट देते थे। तो टीचर क्यों मारती थी आपको, आप क्या होमवर्क नहीं करते थे? वैसे ये पसंद नहीं है मुझे बच्चों को मारना, मारने से मार मार के कुछ लोग उनको डरा डरा के पढ़ाते हैं या बोलते हैं हम मारेंगे तुम नहीं बोलोगे, तो ऐसे बच्चे डर जाते हैं और वो नहीं बोल पाते हैं। ये कोई शरीफ अच्छा तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एक तो उनका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत करिए, हर बच्चे का अपना अलग स्टेमिना है, और दूसरी बात ये कि अपनी इच्छाएं उस पर मत ला दिए, और तीसरी बात उनको मार मार के कभी मत पढ़ाइए। प्रीति मैम प्लीज इनवाइट। हाँ मैं बता चुकी हूँ, पूजा परवीन भी आ चुकी है मेरे चैनल पर। प्रकाश चंद्र वार्ड बूढ़े, आप लोगों ने तो इन्हें लोगों को पगला दिया हो, लगे रहिए। नहीं हम तो सच्ची बात कर रहे हैं, मैं तो किताब पढ़ रही हूँ, वो भी ऐसे ही किसी मनुष्य की किताब नहीं है, तो डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपना इवैल्यूएशन किया है। तो अच्छी मैम क्या बीमारी है ये सिफिलिस? हाँ बिल्कुल, तो डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि वो पॉइजन की वजह से उसका ये ओटा नहीं कटा बल्कि ये सिफिलिस की वजह से कटा, और इसीलिए वो बार बार हाथ वाथ धोता था और बहुत ज्यादा धोने के पीछे था। तो ये भी मुझे अच्छा लगा ये जान के, तो मेरी भी नॉलेज, मैं भी पहली बार किताब पढ़ती जा रही हूँ आपके साथ ही साथ। मुझे एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, अच्छा मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, टच वुड, सिंपल बुखार हुआ है। हाँ मुझे टाइफाइड हुआ है 2 बार बस, फिर मैं दोनों बार ठीक हो गई। मुल्लियाँ अनऑथराइज सेक्स वर्कर होती हैं, बाहर वाले पेन यूज करते हैं और घर परिवार वाले तो फ्री का चंदन घिस, मेरे नंदन वाह क्या मजा आ रहा है। हाँ ये तो है आंदोलन जी, बेचारी जो है घर से ही शोषित होती हैं, शोषित लोग जनरली अब्यूज साइकिल रखते हैं, फिर वो क्या करती हैं बड़े बड़े बुड्ढों से शादी कर लेती हैं, और जब वो जवानी में आती हैं तब तक उनका बुड्ढा शौहर मर गया होता है या बुड्ढे में उसको इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो अपने ही बेटे का शोषण करने लगती है क्योंकि घर से बाहर तो जा नहीं सकती। तो जो छोटा बेटा है उसका, एक आया था वो बता रहा था उसकी माँ ही उसके साथ सेक्स कर रही है, तो सोचो कि उसकी जवानी में जब वो आई तो वो ने उसने वो सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करी। वर्मा जी आपको जय जय माँ दुर्गा। नबी नहीं ढोंगी था और तो और सेक्स रोगी था वो, जग को पता का जग को खबर बस, या नफरत के लायक था वो। बिल्कुल लाइक कर दें सभी प्लीज स्ट्रीम को। रवि रंजन जी कह रहे हैं जय श्री राम। अभय त्रिपाठी जी कह रहे हैं जय श्री राम, जय माता दी। दुष्यंत पटेल जी आपको भी जय श्री राम। कबूतर के अंडे जैसा बिल्कुल, हरम से हरामी, हरामी तो अच्छी कोई गलत गंदी गाली नहीं है अकॉर्डिंग टू सुवेद जी। जी स्त्री स्त्रे शुरू करते आप सबको आशीर्वाद दीजिए, आपको चरण वंदना जी। बिल्कुल मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। विनोद मेहरा जी आपको, पीकेएस जी, नियोगी बाबा कौन है ये सच्चा मुस्लिम है जी, सच्चा मुस्लिम जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। जी मैं नियोगी बाबा बन गया हूँ। कैसी है आप? यार आपने मुझे ना ब्लॉक किया रखा बहुत अरसा, बर्दाश्त नहीं क्यों नहीं नहीं होते मैंने हिंदू करा से रखा सवाल था, करना? कुछ आपने जिहादी धमकी दी थी हमारे चैनल पे इसलिए ब्लॉक नहीं करा नहीं था, वैसे मैं करती नहीं हूँ ब्लॉक नहीं किसी नहीं मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ हिंदुइज्म पे, और आप लोग कहते हो कि जी सवाल उठाना मना है, को। नहीं मना नहीं हम है। नहीं कभी मना करते हिंदुइज्म पे, तो हम हमारे तो सारे ग्रंथ भी सवाल जवाब के रूप में लिखे हुए हैं, तो हम तो सवालों अच्छा को बहुत अच्छा समझते हैं। हमारे यहाँ ये चलो कहा जाता है माशाल्लाह सनातन माशाल्लाह। में, जो क्वेश्चन पूछता है वो बुद्धिमान जी है, जी और क्वेश्चन पूछने को एक जबरदस्त इंटेलिजेंस का प्रतीक माना जाता है मैं कहता हूँ, फिर तो बात ही जबरदस्त है। देखो ना, फिर तो बड़ी अच्छी जी। बात है। पर चलो फिर आज का शुरू करते हमारा हैं जरा। टॉपिक अच्छा सनातन पे नहीं है, ट्यूसडे के दिन हम क्वेश्चन रखते हैं। ट्यूसडे के हाँ दिन हाँ जो है कोई भी मुस्लिम आकर सनातन पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसका स्वागत करेंगे और आंसर देंगे विद रेफरेंस। तो तो आज किस चीज आपको का जो भी टॉपिक क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है
जबीबा और सिफिलिस, ये आज का क्या होते टॉपिक। हैं, मुझे पता ही नहीं है। जबीबा होता है जो जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक गुमड़ा सा यहाँ पड़ जाता है, उसको जबीबा कहते हैं। और वो ये तो हाँ इस्लाम का हो गया ना। हाँ आज टॉपिक इस्लाम पर ही है, आज टॉपिक नहीं आप इस्लाम तो पर ही हिंदू है। है। तो नहीं, आप तो हिंदू है तो हाँ, मैं हिंदू हूँ, फिर मैं इस्लाम पे हिंदू क्या हूँ। आप हाँ, ये सबक दे मेरी रही है एक लोगों किताब को? है। सुनिए, जी आपने जी क्वेश्चन आप पूछा, मैं एक मिनट आपको बता दूं कि ये एक साइकाइट्रिस्ट हैं, डॉक्टर जेके शाइनलिन। उन्होंने एक किताब लिखी है, पीपल वर्सेस मोहम्मद। उन्होंने साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन किया है मोहम्मद का, और सारे रेफरेंसेस के साथ, किताब कुरान और हदीसों से देकर। और जो, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट से ऊपर होता है, तो उन्होंने ये किताब लिखी है, और उसका आखिरी चैप्टर यही है, जबीबा और सिफिलिस, आखिर के ही तो चैप्टर में से एक है। हाँ, तो इस तरह की मैंने भी एक किताब लिखी है और उसमें मैंने सीता जी और राम की जो है ना बोध तो कुछ आप लिखा अपनी है, वो किताब, पढ़ेंगे आप? हम आपकी किताब डिस्कस क्यों, नहीं कर रहे हैं। वो कह आप रहा जो था, वो है, तो बड़ी जबरदस्त किताब। देखिए, आप हमारा टाइम वेस्ट करने आए हैं, तो कोई फायदा नहीं है आपसे बात करने का। आपने कोई किताब लिखी है तो अपनी किताब मार्केट में बेचिए, यहां पर क्यों आए हैं? तो सोनी जी, आपको भी जय हिंद, वंदे मातरम। बीकेएस जी, आपको हर हर महादेव। इंदिरा जी, आप ज्वाइन हो रहे थे फिर ड्रॉप हो गए। नबी भी मराता था ये सुन्नत के नाम पर। हाँ, तो मैं तो आप कोई आना चाहता है बातचीत करने तो प्लीज आइए। इंदिरा जी, आप कुछ बोलने आना चाह रहे थे तो आइए। हाँ, ये सच्चा मुस्लिम अपने आप को कहता है, मुसलमान और सच्चा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा कहने वाली बात हो गई कि दिन और रात, ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। जब ये अपने आप को मुस्लिम कह रहा है तो ये सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इसका मजहब इसको बोलता है झूठ बोलने के लिए। और जितना बड़ा झूठा और मक्कार, उतना अच्छा मुसलमान। और जो अल्लाह है इनका, वो तो मक्कारों से भी बड़ा मक्कार है। ये बात खुद, ये मैंने नहीं कही है, ये इनकी किताबों में लिखी हुई है। और एक बार ये मेरे चैनल पे आकर खुली मारने की धमकी दे रहा था, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इंदिरा जी ने मेरे से एक दिन रिक्वेस्ट करी भी रिसेंटली कि आप सब जो भी ब्लॉक्ड है उनको अनब्लॉक कर दो, तो मैंने सबको अनब्लॉक कर दिया। और मुझे याद है, ये सच्चा मुस्लिम पहले तो ठीक ठीक आता था, पर जैसे ही इसने जिहाद वाली बात करी तो मैंने इसको ब्लॉक करा था। ये खुलेआम हमको मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। महादेव अवधाज जी, जय हिंद। विनोद मेहरा जी, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है मदरसे? अच्छा, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होगी? और जिसके पास दिमाग नहीं है, वो कहीं भी जाके पैसे दे के कुछ भी बन जाए। नियोग का कोई एग्जाम्पल इसके पास होगा भी नहीं, क्योंकि नियोग होता ही था खाली राज परिवारों में। आज उसकी बात हम करेंगे ही नहीं, जबीबा की बात करेंगे। इंदिरा जी, आपको जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। बोलिए नमस्ते जी, जी, मेरी आवाज आ रहा है? आ रही है बहुत अच्छी, बोलिए। हाँ, ये वो मैं वो सच्चा मुस्लिम को कुछ पूछने वाला था, तब तक वो चला गया। वो खुद मैं ही आप चला दोनों का गया। बात सुन रहा था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो टॉपिक पे नहीं आ रहा है। मैं उसको टॉपिक पे लाने वाला था कि भाई तुम कैसे ऐसे आदमी को तुम कैसे नबी मान सकते हो जो खुद भी कुछ गंदा भी था बोल और रहे हो, सारा। वो बहुत डीट है, वो बहुत डीट हाँ है। हाँ वही ना, सर पीट पीट के इनका दिमागी खतरा हो गया, दिमाग उनका काम करता नहीं है, तो इसी वजह से वो किसी को भी नबी मान लेते हैं। और कितना सही जैसे लिखा है आज के डेट इसने, में, सोनी विद्यासागर जी ने, पढ़ दीजिए आप। हाँ वो जैक द रिपर का नाम सुना होगा ना, वो भी अगर आके बोलेगा मैं नबी हूँ तो ये भी उसको मान लेंगे, हाँ हाँ यही नबी है। अच्छा आपको एक बात पता है कि जी, हाँ, जो सिफिलिस की बात हो रहा है मैं एक तो मिनट, इसका पहले मैं कमेंट पढ़ दूं।
हाँ कर सोनी लीजिए, विद्यासागर जी कह रही है ले जबीबा लीजिए। किसे कहते हैं, आपने अभी बताया उस सच्चे मुस्लिम को, और आश्चर्य है कि जबीबा क्या होता है उसे भी नहीं मालूम था, और आपने बताया माथे के बीच रगड़ के कारण बनने वाला काला दाग सा होता है। दाग नहीं होता, मतलब सोनी जी वो घुमड़ा सा पड़ जाता है ना, ये पटकते हैं ना तो ये घुमड़ा सा पड़ जाता है, वो है ये। कैन यू एक्सप्लेन हु इज रियल मुस्लिम, आर दे रियल गुड, आर दे गुड? ये तो मजाक ऑफ द सेंचुरी हो गया। हिंदू राष्ट्र जी, जय श्री राम आपको भी। बोलिए इंदिरा जी। जी बाकी कमेंट भी ले लीजिए जो कमेंट है। हाँ, हिंदू राष्ट्र जी कह रहे हैं जय श्री राम मुस्लिम और सच्चा, मतलब एक राजा बहुत गरीब था। नहीं, मुस्लिम और सच्चा तो मतलब दिन और हाँ, आपकी भी बात सही है, राजा जो बहुत गरीब था। बिल्कुल। बीकेएस जी कह रहे हैं इंदिरा जी इस लुका मुस्लिम को मेरे चैनल का लिंक दें। मुझे नहीं पता आपका चैनल का लिंक, बीकेएस जी के चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो भी हमारे सनातनी है, और मैं कहूंगी कि सारे हमारे जो सनातन परिवार के हैं इस चैनल पे आते हैं, सारे सनातनियों को मैं ये कहूंगी, आप सब लोगों को, इंदिरा जी हो गए, बीकेएस जी, सारे जितने भी यहाँ पर 30 लोग, 30-31 लोग देख रहे हैं, सारे सनातनियों के घर में खूब समृद्धि आए, ईश्वर करे उनको धन धान्य दे, उनको निरोग बनाए, उनके उनके सारे दुखों को हर ले, उनको सुरक्षित रखे, और उनको उत्तम संतानें दे, उनका जीवन ज्योतिर्मय बन जाए। हाँ, मैंने एक से पूछा था आपके माथे पे एक ऐसा दाग है, तो उसने शान से बताया ये कुरान पाक को माथे पे रगड़ने से आया है। बताओ, कुरान पाक को रगड़ने से नहीं, ये पत्थर पर जो नमाज पढ़ते हैं तो अपना सिर बार बार मारते हैं ना, तो उससे ये दिखाते हैं कि देखो हम कितने ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। नबी आयात निर्यात दोनों करता था सुअर, सारे को रगड़ रगड़ के दिना दिना खाकी और गुबड़ा आगे दिख जाता है। हाँ बोलिए इंदिरा जी। मैं ताजुब होता हूँ, ऐसे आदमी को कैसे हम नबी मान सकते हैं और उसका सच्चाई जानने के बाद भी इसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। इनको ये ऐसे सुअर है, इनको शर्म ही नहीं है। ये बताइए, ऐसे सुअर है, इनको शर्म नहीं है। आपको एक बात पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। भारत में आधे आधे से ज्यादा मुस्लिम जब बूढ़े हो जाते हैं, वो किसी ना किसी कुंवारी लड़की को वो संभोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक उनका जो क्या कहते हैं हकीम वगैरह है, वो कहते हैं अगर तुमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है, तुम अगर एक कुंवारी को संभोग करोगे तो तुम्हारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज निकल जाएगा। ये उससे तो निकलता नहीं है उसको बूढ़े से, लेकिन वो मर कुंवारी को हो जाता है। जाएगा। ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई भी है। ये मैक्सिमम मुस्लिम घराने में होता है। कहीं लड़की कोई भी मतलब छोटी सी लड़की को पकड़ के उसको रेप करते हैं, घर की हो, बाहर की हो, रास्ते की हो, कहीं का हो, ऐसे काम करते हैं ये। मेरे कभी सच्चा पकड़े जाते मुस्लिम हैं, कभी इनसे पकड़े बैठा नहीं हुआ है, आप जाते। जो क्वेश्चन इनसे पूछना चाहते थे ना वो पूछ लीजिए। हाँ वही मैं पूछने वाला था ना। और ये ऐसे ऐसे मतलब लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और कई बार ये केस को दबा भी जाता है, दबा दी जाती है, क्योंकि ये शांति प्रिय लोग हैं तो उनको दबा दो, ये भी होता है। तो ये इतनी शर्म की बात है। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए, जो ये क्वेश्चन जेके शाइनलिन, डॉक्टर जेके शाइनलिन ने उठाया है अपनी किताब में, कि क्यों मोहम्मद ने इतनी छोटी छोटी लड़कियों से जब शादी की तो उनमें से एक के भी बच्चा नहीं हुआ, सारी की सारी बांझ कैसे हो गई? ये बताइए, ये टॉपिक है आज का, जबीबा और सिफिलिस। तो सच्चा मुस्लिम, आप ये बताओ कि मोहम्मद ने छोटी छोटी जो लड़कियों से शादियां की फिर भी उनके कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ, वो बांझ कैसे हो गई? वो तो बांझ तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जब वो बांझ ना हो, ये तो इसका तो दम नहीं था ना, बात इसका ये है सिफिलिस ना होके इंदिरा उसका जी, सारा निकल गया इसका था, उत्तर मैं दे देती और हूँ। क्या करेंगे। इसका उत्तर जो डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि पहली वाली जो आयशा थी
उसको तो रेप करने से उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गया था, उसको इंटरनल हेमरेज हो गया था, उसको ब्लीडिंग हो गई थी, जिसको कि इन्होंने हैज बोलना शुरू कर दिया था, उसको हेमरेज हो गया था, ब्लड हेमरेज। जो दूसरी वाली थी वो सारी जो है, इसने मोहम्मद को सिफिलिस हो गया था, जो उसके अंकल ने उसको रेप किया था बचपन में, 8+ ईयर्स का था वो, तो सिफिलिस उसको डेवलप हो गया था, जिससे वो बार बार हाथ धोता था, बार बार ये कार्य करता था, ओसीडी जो जो लगते थे, तो ये उसको अल्सर डेवलप के साइंस शुरू हो गए 40 ईयर्स में, क्योंकि वो सिम्टम्स डोरमेंट रहते हैं और बाद में वो अपियर हो जाते हैं। तो इसने सिफिलिस दे दी अपने पूरे हरम में, सब लोगों, सब लड़कियों को सिफिलिस इसने दे दी, और जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स और जो रखेलें थी उन सबको सिफिलिस पास कर दी। और ये जो बड़ा सा ट्यूमर था उसकी पीठ पर, ये भी सिफिलिस की एक निशानी थी, जिसको ये नबी का सील ऑफ द प्रॉफिट्स बोलते हैं। ये जो पीछे जो मस्सा उसका था, वो भी एक सिफिलिस की ट्यूमरस ग्रोथ जो था वो उसके टॉर्सो में था। ये है इसका आंसर। हाँ सच्चा मुस्लिम जी, मैं आपको सनातन में घर वापसी की दावत देती हूँ, क्योंकि आपके पुरखे जो थे ना सब सनातनी ही थे। ऐसे बदमाश रेपिस्ट पेडोफाइल को छोड़ दीजिए, उसकी राह पर जाकर नरकों में मत स्थान प्राप्त करिए, बल्कि घर वापसी करके सनातन में आइए। जितनी बार ये मुसलमान एक छोटी बच्ची के साथ पीडोफिलिया करते हैं, उतनी बार मोहम्मद को नरकों में एक बार फिर से जो है तेल की कढ़ाई में फ्राई करा जाता है, पकोड़े की तरह, क्योंकि यही उसकी कामना थी, तो यही कामना उस पर पूरी हो रही है। उतनी ही बार, जितनी बार यहाँ पर मुसलमान इस पृथ्वी पर एक बच्ची के साथ सेक्स करता है, उतनी बार मोहम्मद को कढ़ाई के तेल में डुबोया जाता है, क्योंकि मास्टरमाइंड को जो है ज्यादा पनिशमेंट मिलती है, ये सबको पता है। सच्चा मुस्लिम जी, नियोग कभी था ही नहीं, नियोग केवल राज परिवार में एक सुविधा थी, दी गई थी, जिसके जो विधवा हो और उसके कोई बच्चा ना हो, तब केवल राज परिवार के लिए। और एक एग्जाम्पल ही है हिस्ट्री में, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल दे के बताओ हमको विद रेफरेंस। और ये तो मैंने नियोग का बता दिया, मेरी स्ट्रीम इस पे बनी हुई है। सती भी कोई थी नहीं प्रथा, सती जो है आपको कोई एग्जाम्पल सती का नहीं मिलेगा। रामायण के जमाने में जो दशरथ जी थे उनकी तीनों बीवियां सती नहीं हुई, और महाभारत के समय में कुंती सती नहीं हुई। ये सती प्रथा थी ही नहीं है, ये मुगल इस्लामिक लोग आए तो स्त्रियां जो हैं ये लोग तो लाशों के साथ भी, जैसे मोहम्मद ने सेक्स करा अपनी अपनी मौसी के, सगी मौसी या चाची थी उसकी, कब्र में उतर के उसके साथ सेक्स किया उसकी मृत्यु के बाद। तो ऐसे लोग हमारे शरीर को भी अपवित्र ना करें, इसलिए कुछ हिंदू महिलाएं जो हैं वो मर जाना पसंद करती थी, तो राजस्थान में तो जौहर कर लेती थी तो जल जल जाती थी, तो वो इसीलिए आया मुसलमानों की वजह से। लंड पूजा कोई है ही नहीं, ये तो आपके दिमाग की परवर्टेडनेस है। आप तो थर्मल जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी इसी शेप का है, तो आप ये बोलोगे कि ये भी वही चीज है, मेल का प्राइवेट पार्ट, क्योंकि आपके दिमाग में बसा हुआ है वो चीज, आपके दिमाग में ये प्राइवेट पार्ट्स बसे हुए, तो आपको हर जगह वही दिखता है। नंगी मूर्तियां, आपके दिमाग नंगा है, जो तुम्हारा दिमाग परवर्टेड है तो वही परवर्टेड उसे सब जगह दिखेगा। जैसे एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया, बोला मेरे हाथ में भी दर्द है, मेरी पैर में भी दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है, मेरे माथे में भी दर्द है, तो डॉक्टर ने उसकी उंगली ठीक कर दी, क्योंकि दर्द उंगली में था, जहां जहां वो छूता था वहां वहां उसको दर्द होता था। तो ऐसे ही आपके दिमाग में परवर्जन है। मैडम, आपको पता है मोहम्मद का बाप उसके पैदा होने के 4 साल पहले मर गया था, तो फिर वो कैसे पैदा हुआ? वो तो बाप था ही नहीं ना, हाँ, वो वो नियोग से तो पैदा हुआ ना, नहीं, वो वो नियोग नियोग से पैदा ही हुआ। हुआ। अरे गलत गलत, उसको तुम्हारा बताइए। ये शब्द नियोग है ही नहीं, हाँ, नहीं, वो वहां राहत वहां है।
वहां कुछ और कहते थे उसको, के रिवाज था उसको निका निक्का उल कुछ ऐसा कहते थे जिसमें 50 लोग मिलके वो उसके अम्मी के साथ। अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब मैं बोलता हूँ, आप बीच में बोल देते हैं। 50 लोग मिलके उसके अम्मी के साथ चढ़े थे, तब वो कसम पैदा हुआ था, ममत पैदा हुआ था तब। समझ लिया, यही है तुम्हारा नियोग, मोहम्मद वाली नियोग। जा अपने घर में नियोग कर ले, कुत्ते का औलाद, सुअर के बच्चे, घर वापसी कर ले, नहीं तो तू भी नरक में जाएगा, तेरे झूठे नबी की तरह। वो भी नरक में सड़ रहा है, तू भी नरक में सड़ेगा। तो और तुमको शर्म नहीं है ऐसे गंदे गंदे लोगों को कैसे मान लेते हो? तुम ऐसे गंदे लोगों को कैसे मान लेते हो? तेरे नबी की अम्मी, तेरे नबी की अम्मी रंडी थी, समझा? वो 50 लोगों से करवाती थी, तभी वो तेरा नबी पैदा हुआ था। इंदिरा जी, समझ गया? हरामी कुत्ते का जात, सुअर के पिल्ले। इंदिरा जी कूल डाउन, तू गांडू है, तेरा नबी भी गांडू था। हम अपने, तुम ऐसे ही गांडू रहोगे जीवन भर। इंदिरा जी, तेरे झूठा नबी की चाट ले जाके, मुंह तो खाते हो तुम, उसका मुंह भी पीते हो, जा उसके चाट ले। यही तुम्हारा फितरत है, यही करते रहोगे तुम, और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हो तुम। और नबी के अम्मी के ऊपर 50 बच्चे चढ़े थे, 50 लोग चढ़े थे, तभी वो नबी को लात मार के घर से निकाल दिया था बचपन में, और जब तक जिया वो नबी का मुंह नहीं देखा, समझा? आज का टॉपिक सिफिलिस है, और वही तो है, सिफिलिस हो गया था ना ऐसे। हाँ। और उसके चाचा ने उसको चोट चोट के सिफिलिस करा दिया, ये भी देख ले, जा उसके उसके तेरी नबी की सुन्नत मान, अपने चाचा से चुदवा ले जा, और तेरे बीबी को 50 लोगों से चुदवा के बच्चा पैदा कर, ठीक है? जा जी, इनका अब खुश हो गए, अब ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे में? नहीं पड़ा, और थोड़ा सुनाऊं? जा माँ तेरी अम्मी से पूछ ले, कितने कितने लोग उसको चोद के तुझे निकाले थे, पैदा किए थे, जा। हाँ, तेरी अम्मी से ही तो सेक्स है, तेरे अम्मी से मैं चौदह था, तभी तो पैदा हुआ हरामी के औलाद। कल आना आप, कुत्ते के जात, क्वेश्चंस पूछने तो कल आना। साले तुम सुधरोगे नहीं, कुछ भी हो जाए तुम ना ऐसे ही रहोगे जिंदगी भर, और नरक में सड़ोगे। हाँ, बुरा बात ये है कि प्रभु की कृपा जिस पर होती है, बुराक लग रही, बुराक लग रहा है, नहीं बुराक, बुराक के ऊपर चढ़ के जा रहा था ना। हाँ। बुराक के ऊपर चढ़ रहा, बुराक उसके ऊपर चढ़ रहा था, वो बुराक पे नहीं चढ़ा था, बुराक उसके ऊपर चढ़ रहा था, गद्दा खींच खींच के कहता था, तभी गद्दे की तरह बन गया था। हरामी को शर्म नहीं है, जा तेरी अम्मी को पूछ ले कितने लोग उसको चोदे थे, तू पैदा हुआ था उससे, हरामी के औलाद। इंदिरा जी, मुत्ता के औलाद, हलाला के औलाद, साले कमीने के औलाद, जा 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 जा। हाँ, कुछ नहीं, जा, तेरी तेरी झूठे अल्लाह झूठा है, तेरी नबी झूठा है, तू झूठा है, और तू हरामी है। तेरी अम्मी को पूछ ले कितने लोग उसको तुझे चोद के निकाले थे, तभी तू निकला हुआ है। इंदिरा जी, कूल डाउन करिए। जैसे जैसे जी आपका जैसे मोहम्मद का सुन्नत है, तेरे ही ऐसे ही सुन्नत है। जैसे मोहम्मद को 500 लोग चोद के निकाले थे, तुझे 5000 चोद के निकाले थे तेरे अम्मी को, तभी तू पैदा हुआ, कुत्ते का जात। साले तू सुधरेगा नहीं, साले तू हराम का औलाद है, हराम का औलाद रहेगा जिंदगी भर, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाता है जूता खा के आता है साले हराम का औलाद, तभी तुझे शर्म भी नहीं है। इंदिरा जी, तभी तुझे शर्म नहीं है, तू हराम का औलाद है। रुकिए, जा तेरे अम्मी को पूछ ले, तेरे अबू कौन है, मेरे से मत लड़, जा तेरे अम्मी को पूछ लेना। बहुत बहुत लग रहा है, आए आए, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत में गांड फट रहा है तेरी, सारा हराम के औलाद, अब तो और फटेगा साले। इंदिरा जी, जाके अम्मी को पकड़ के सो जा उसके ऊपर, लेट जा उसके ऊपर, ये तो करते तुम घर में जाके, एक तरफ अम्मी को लेटा दे, एक तरफ बहन को लेटा दे, हाँ मजा आ जाएगा तुझे। विनोद मेहरा जी ठीक लिख रहे हैं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। और न्यू फिजिक्स जी कह रहे हैं कि इन्होंने पहले कुछ और लिखा था, न्यू फिजिक्स जी ने, कि सच्चा मुस्लिम की लड़की ने यहूदी से शादी की है, वो कॉल गर्ल है इंग्लैंड में, है? न्यू फिजिक्स जी आपका स्वागत है, और आंदोलन जी आपका भी स्वागत है, बोलिए आंदोलन जी। नमो राघवाय जी, बोलिए। प्रीति जी, अभी अभी बातों ही बातों में, अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि ये अपने जाके कब्र में इसने सेक्स किया था,
इससे तो सिद्ध होता है कि जब वो किया था अपने किसी मतलब माँ समान महिला के साथ किया था, इसका अर्थ होता है कि कम से कम उससे 20-25 वर्ष उससे आयु में अधिक रही होगी, यानी कि वृद्ध रही होगी। अब सोचिए वो वृद्ध महिला होगी, वो कब्र में होगी, उसको जाके किया होगा, उस वृद्ध महिला को कितनी बीमारी होंगी। अब पता चला कि इसको मिला कहाँ से, एक्चुअली मिला है वही कब्र से ही लेके आया है। आपने मेरी पुरानी स्ट्रीम नहीं सुनी है, पुरानी स्ट्रीम में ये लिखा है, एडिपस कॉम्प्लेक्स था उसको, जो आपने मिस कर दिया है कि डॉक्टर शाइंडलिन कहते हैं कि बचपन में जो इसको इसकी मौसी जो थी फातिमा, जो इसकी चाची भी थी और मौसी भी थी शायद, तो वो इसको बचपन से स्तनपान कराती थी और जब ये बड़ा हो गया तब तक कराती रही, और लंबे समय तक स्तनपान करना और उसका नंगा वक्ष देखना और ये नंगा उसको नहलाती थी, तो इनके बीच में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया उसको अपनी मौसी चाची से, और इसके बाद इन दोनों में कुछ इस तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन बचपन से, ये उसका पहला प्यार उसकी मौसी वो ही हो गई। अब इतनी ज्यादा हो गया कि उसको जो मौसी का सगा बेटा अली था उससे उसको ईर्ष्या हो गई थी, और इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं साइकोलॉजी में। ये एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको अपने पिता से नफरत हो जाती है और वो अपनी माता के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन में हो जाते हैं, और इसके बाद वो पिता को मारकर माता से शादी कर लेते हैं, तो इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और मोहम्मद को ये था, वो हालांकि उसका बाप मर चुका था और उसकी माँ भी मर चुकी थी, लेकिन उसको ये कंफ्यूजन था मातृत्व की फीलिंग और सेक्सुअल अट्रैक्शन की फीलिंग में, जो उसको अपनी इस मौसी वाली माँ से मिली थी, और एडिपस कॉम्प्लेक्स का उसके अंदर ये लक्षण थे, और इसी वजह से उसका चाचा जो था उसने बचपन से, ताकि वो घर से दूर रहे, वो भी समझ गया था इस बात को, उसने उसको ऊंट चराने के काम में लगा दिया ताकि ये घर से दूर रहे, और उसको ले जाता था ताकि वो घर से दूर रहे, और मौसी ने भी सोचा इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, मतलब ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला, क्योंकि मौसी भी उससे अट्रैक्टेड थी और वो भी, और जबकि वो बच्चा था। तभी जब उसकी मौत हुई तो वो उसकी लाश में उतरा और उसके साथ सेक्स करा उसने जी। और ये भी हो सकता है कि ये हुआ होगा, जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना, तो आखिरी सलाम देने गया होगा कब्र के अंदर। जी बाबा जी ड्रॉप हो गए हैं, बात ये कि आप पहले आए थे तो मैंने आपको बोला पहले बोलने के लिए, तो बाबा जी मैं ज्यादा बोल गई लगता है, आप ऊपर आ जाइए अपनी बात कंप्लीट करिए। इंदिरा जी भी ड्रॉप हो गए हैं, मैं इंदिरा जी को इसलिए रोक रही थी, देखिए हमारे वेदों में लिखा है कि हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए और कटुता का जवाब कटुता से नहीं देना चाहिए, और इंदिरा जी जो है वो प्रवोक हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ अपने आप को अनप्रवोक्ड रखना चाहिए, हमें इनके कमेंट्स के जवाब नहीं देने चाहिए, हर गेंद को पकड़ना जरूरी नहीं है, तो नीचे से बैठ के इनके साथ बातचीत ना करिए। जी बाबा जी जय माँ दुर्गा बोलिए। जय माँ दुर्गा मैम, नमस्कार सभी को, आंदोलन जी को भी, आपको भी, सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को नमस्कार जी। आज नवरात्रि लग गई आज से, कल से, तो आशा है कि आप सब लोग महामाई की पूजा कर रहे होंगे। तो इंदिरा जी को बहुत गुस्सा आ गया था, मैं तो इसीलिए आ गया था, मैं कहा चलो इंदिरा जी को शांत करके आता हूँ। तो इन लोगों के साथ हमें क्या बहस करनी है ना, सच्चा मुस्लिम है या ये कौन है, ये तो पाकिस्तान का बैठा हुआ कोई पॉलिटिशियन है, इसको उन्होंने किक मार दी। हाँ हाँ, ये तो बेचारे तर्स करने योग्य है, इनके ऊपर तो तर्स करना चाहिए, ये सताए हुए लोग हैं बेचारे, सारी दुनिया ने इनको सताया है और खुद पर ये इतने जुल्म करते हैं। एक तो होता है कि आपको लोगों ने सताया हो, एक ये होता है कि आप खुद को जुल्म कर लो कि आप खाना खाना बंद कर दो, अपने आप को झोपड़ी में रखने लग जो, फटे पुराने कपड़े डालने लग जो, ये सब खुद पे जुल्म करते हैं। ये कहते हैं कि हम शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं, हम जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। शहीद वापस होकर आया है जिसने बताया ऊपर जन्नत मिली उसको, कोई भी नहीं आया, ये सारे नरक जी आज तक नहीं आया, आज तक भी नहीं आया। और ये कहते हैं कि मस्जिद शहीद होगी, मस्जिद गाजा में मस्जिद शहीद होगी, अरे मस्जिद तो ईंट पत्थर की बनी हुई है, निर्जीव वस्तु है, वो कैसे शहीद हो जाएगी।
शहीद तो वो होता है जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर जान हो। और आपको मस्जिद तो दिखी और वो हजारों इजरायली इनको नहीं दिखे, जिन छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने काट दिया, उनके गले काट दिए, महिलाओं की ब्रेस्ट निकाल ली, महिलाओं के साथ रेप कराया, मृत महिलाओं के साथ क्रॉस स्ट्रीट पे इन्होंने रेप कराया, वो इनको नहीं दिखते। तो ये तो बेचारे तरस खाने योग्य हैं। और जब एक बात हो रहा है, किसी भी चीज का एक वो होता है, समय होता है, एक चीज जब चढ़ती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती जाती है, तो उसका अंत भी नजदीक होता है। जिस दिन पूरा विश्व खत्म हो गया ना, तो ये विचारधारा ही ये जिस दिन पूरा विश्व के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए ना, ये विचारधारा जल्दी खत्म हो जाएगी और इस विचारधारा का अंत आने वाला है। इन लोगों को तो रहना इनको नहीं आता, देखो मैम, रहना इनको नहीं पता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, कैसे नहाना है, कैसे वस्त्र डालने हैं, भोजन इनका अच्छा नहीं। जब भोजन ही इनका अच्छा नहीं है, तो इनके शरीर के अंदर जो विचार होंगे वो भी गंदे ही होंगे। भजन का इनके यहाँ नाम नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, तो ये तो बहुत फूड़ लोग हैं, फूड़। अगर आपको एक गंदा कपड़ा दे दें और बोले कि इससे टेबल साफ कर दो, तो क्या वो टेबल साफ हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो जिसका नहीं हो सकती, वो सारी कुरीतियों और बुराइयों से भरा हुआ है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस का कैरियर है, तो जब वही साफ नहीं है तो वो इन लोगों को कैसे साफ कर देगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे संपर्क में एक लड़की थी, वो पाकिस्तान से थी, डेंटिस्ट थी वो। तो मैंने उससे मेरी बात होती थी, मैं उससे पूछता रहता था, वो हिंदुइज्म में काफी इंटरेस्टेड थी, तो मैं उसको बताता रहता था कि मैं उसको बहन बोलता था, मैं कहा बहन ये होता है हिंदुइज्म में, ये होता है, तो मैं उसको बताता रहता था। तो उसके मल्टीपल अफेयर थे, तो मैंने उसको एक दिन समझाया कि मैं कहा तुम लोग ऐसे क्यों करते हो। वो बोली कि मेरा तो इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। तो ये उन्होंने उसने मेरे को बताया फिर अच्छी तरह से। तो इनके यहाँ तो इतना गंदा कल्चर है मैम कि आप हैरान हो जाओगे। आपको तो पता है, आप तो हैरान नहीं होंगे क्योंकि आपने तो इतनी बड़ी रिसर्च की है इस कल्ट के ऊपर। तो ये जवानी में ही मुंह मारने लग जाते हैं अपने कजन्स के साथ, ये पहले ही सेट हो जाते हैं 13-13, 14-14 साल की उसमें, और ये एक दूसरे के ऊपर गंदी नजरें रखने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत ही, जब इनकी तह में जाएंगे ना, ये तो एक वो है कि राज छिपा रखे हैं इन लोगों ने, इतना गहराई में छिपा रखे हैं राज, दुनिया ने इनकी तरफ कभी झांक कर देखा ही नहीं, क्योंकि गंदगी की तरफ कोई झांकता ही नहीं। लेकिन अब जब ये अति पे चले जाएंगे ना, बिल्कुल जैसे वहां इजराइल में नंगा नाच कर रहे हैं, भारत में नंगा नाच करते हैं, इधर उधर ये यूरोप में नंगा नाच करते हैं, तब ये विश्व की अन्य ताकतें, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, तब ये इकट्ठा होकर इसकी तरफ झांकेंगे कि इस बारूद के ढेर को भी आज देखते हैं। जब इसकी तरफ देख सबका ध्यान जाएगा, सबका टेंशन जाएगा, तो लोग यूनाइट होंगे और काम करेंगे और इसका कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होगा। आप ये बताओ सिफिलिस के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं सिफिलिस मैंने सुनी नहीं है स्ट्रीम, मैं तो अभी जुड़ा था। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि जो डॉक्टर शाइनलेन है वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद ने छोटी छोटी बहुत सारी बीवियां मतलब रखी, छोटी छोटी लड़कियों से शादियां की, पर उसका एक से भी बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी बांझ है? जबकि वो छोटी थी, वो तो फर्टाइल थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि मोहम्मद के कोई भी बच्चे नहीं हुए उनके साथ? तो उसका जवाब मोहम्मद ही मतलब डॉक्टर शाइनलेन देते हैं कि पहली भी एक दो लड़की तो थी ना मैम, उसके औलाद तो हुई थी ना मोहम्मद के, मोहम्मद के जो भी औलाद हुई थी वो मर गई इन्फेंसी में। जो उसके दो बेटे हुए वो दोनों बचपन में ही मर गए, अब्दुल्ला जो था वो और दूसरा जो कासिम था वो बचपन में ही मर गया। और यही सिफिलिस की एक निशानी है कि सिफिलिस जिसको भी होता है तब वो कॉन्जेनेटल डिजीज है, तो मतलब उससे बच्चे या तो होंगे नहीं या मर जाएंगे। तो ये उसको सिफिलिस हो गई थी, हाँ, तो इसी से उसके कोई बच्चे नहीं हुए। उसके सिम्टम्स डोरमेंट रहते हैं और 40 साल इसको, इसका मतलब जब इसको डेवलप हुई तो इसके चाचा ने इसके साथ जो सेक्स किया बचपन में, 8+ का जब ये था, तो उसने चाचा ने इसको सिफिलिस दे दी, और वो सिफिलिस की वजह से जो है उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए जब ये 40 साल के ऊपर का था। तो ये जो न्यूरो सिफिलिस इसको हुई वो लिंक्ड है सीजोफ्रेनिक साइकोसिस से।
तो जब इसको पहली वही आई और ये जो सिफिलिस हुआ, ये सारी चीजें लिंक हो गई आपस में। और जब ये हीरा की केव में जब हशीश खाके वहां पड़ा रहता था, तो वहां पर वॉल्केनिक गैसेस सूंघने की वजह से और इसको जो अटैक आया, और सिफिलिस उसी समय ऑनसेट हो गया था इसका। और जो इसके पीठ पर जो प्रॉफिट ऑफ सील थी, जो मोटा सा जो जो कि एक तरह का वो था कैंसेरियस ट्यूमर की तरह कूब था, वो कूब की ये तरह जो इसकी निकल जाता है जैसे। निशानियां थी। आप सिफिलिस के मरीजों को देखें तो उनके छोटे छोटे बहुत सारे दाने 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 हो जाते हैं, लाल लाल अल्सर हो जाते हैं। तो इस और वो रिप्रोडक्टिव और ऊपर के शरीर के ऊपर के पार्ट में होते हैं। तो इसकी जो है पीठ के ऊपर के पार्ट में एक मोटा सा जो मसा डेवलप हुआ, वो अल्सर था, वो सिफिलिस की वजह से हुआ इसको। और सिफिलिस की वजह से ही लाल लाल दाने, इसको समझ में आ गया था कि इसको कुछ हो गया है। और ये बार बार हाथ धोता था अपने, बार बार जेनिटल्स को धोता था, जो जो कि ये इसने अपने उसमें कहा है ना कि सब लोग तीन तीन बार धो, सात सात बार, ऐसे ये बार बार धोता था। तो ये इसी वजह से इसको भी समझ में आ गया था कि इसको कुछ हो गया है। तो इसने वो छोटी लड़कियों को जो इसकी बीवियां थी उन सबको सिफिलिस बीमारी दे दी, और जितनी भी इसकी रखेलें थी उनको भी दे दी। और जो पहली बीवी थी आयशा, जो इसकी छोटी वाली बीवी थी, वो उसको तो इसने जब रेप किया तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गए, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, हेमरेज। तो इसलिए उसको बच्चा नहीं हुआ, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गए इसलिए। लेकिन जो बाकी वाली थी उनको सिफिलिस हो गया था। बहुत बहुत ये तो अच्छा मैम, इन्होंने शैंडलियर ने बहुत अच्छा बताया है तो, कि मतलब इतना बड़ा एनालिसिस किया है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया और उन्होंने। एक और भी बात कही है, जबीबा जो है ना, वो मोटा जो घूमड़ा यहाँ पर होता है, ये लोग पत्थर, ये जो फर्श होता है उस पर बार बार अपना सिर मारते हैं दिखाने को कि हम तो बड़े पाक पवित्र मुसलमान हैं, हम कितने ज्यादा नमाजी हैं, तो घूमड़ा डेवलप करते हैं। तो बार बार ये वहां पर हीरा की गुफा में इसने मारता था दिखाने को, लोगों में प्रदर्शन करने को कि मैं तो बड़ा पूजा पाठी हूं मतलब। तो जो ब्रेन होता है ना, वो एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, और इसका न्यूरोलॉजिकल टिश्यू डैमेज भी हो गया पत्थर में बार बार जो मतलब फर्श पे अपना सिर मारने से। तो ये जबीबा जो इस पे घूमड़ा बिल्कुल, सा जो यहाँ पे और हो जाता है ना, तो वो जो इसके प्रैक्टिकल लाइफ एस्पेक्ट हैं, जो इसने प्रैक्टिकल जीवन में किया है, वह इस बीमारी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं डायरेक्ट। तो ये एक बहुत मजबूत तथ्य है, बहुत मजबूत फैक्ट है, जिसको कंसीडर करके हम इसके चरित्र को बहुत, मतलब जिस व्यक्ति ने किया है, सेंड्रियर ने, वो बहुत ही विवेकी और बड़ी बुद्धिमान से और तर्क आधार पर, वैसे ही नहीं मतलब बात फेंक दी, बहुत अच्छे तरह से इसकी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स के तहत उसने इस तथ्य हाँ, को दिया है। उसने तो ये भी कहा है कि लोग कहते हैं कि यहूदिन ने इसको पॉइजन दे दिया था, तो इसने मीट खा के थूक दिया था, इसलिए उसका असर इसको 3 साल बाद हुआ। लेकिन डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं वो पॉइजन की वजह से नहीं मरा ये, बल्कि इसके अंदर जो सिफिलिस हो गया था इस वजह से इसका एओर्टा कट रहा था, क्योंकि सिफिलिस इंटरनल ऑर्गन्स पर अटैक करती है। अंदर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, अल्सर डेवलप हो जाते हैं बाहर, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स इसके खत्म हो जाते हैं सिफिलिस से। जी जी बिल्कुल, तो तो ये सच्चा था मुस्लिम को आज तो समझ में आएगा नहीं, ये इतना इतनी गहराई से हम बोल रहे थे वो चला गया होगा, सच्चा मुस्लिम को तो ये चीजें समझ में आएंगी नहीं, और ना ही ये यकीन करते हैं, क्योंकि वो स्टबबोर्न है ना। बात ये, जिसका दुर्भाग्य बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको कुछ भी बोल दो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दुर्भाग्य है। ईश्वर की अगर कृपा होती तो इसके दिमाग में समझ में आ जाता है इसको, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं है। तो बात ये कि ये नरकों बात मैम को आपने भी बहुत बहुत बड़ी बोली है कि ईश्वर की कृपा नहीं है इन लोगों पे, क्योंकि देखो ईश्वर की कृपा तो चलो मानते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सभी मनुष्यों पे है, 700 करोड़ लोगों पे ईश्वर की कृपा है, लेकिन उस कृपा में भी विशेष कृपा हिंदुओं के ऊपर है कि उनका हिंदू परिवार में जन्म हुआ और हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। और उनमें हिंदुओं में ऐसे अभागे भी हैं जो भगवान को नास्तिक कह देते हैं, नहीं मानते, या एक दूसरे चीज का खंडन कर रहे हैं, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो कितने अभागे हैं कि उनका भारत में जन्म हुआ और हिंदू परिवार में हुआ और फिर भी नहीं कर रहे। तो ऐसे ही ये लोग अभागे हैं, इनके देखो 50-60 देश हैं, कहीं पर बरकत नहीं है इन लोगों के हाथ में, कहीं पर शुचिता शुद्धता नहीं है इन लोगों के हाथ में, बस एक ही चीज है कि गोला बारूद उसमें
बुरके में छुपोया, वहां फट गए, वहां से वो वहां फट गया, वहां से अमेरिका से ले लिया बारूद, वहां से एमुनेशन रूस से ले लिया, उसकी लठ बच गया, उसकी लड़ाई होगी, बस ये है और कुछ नहीं है। और महिलाओं का शोषण है, महिलाओं का शोषण है। तलवार की जो जो तलवार के नीचे की छांव पड़ती है उसमें जन्नत है, जो तलवार है ना उसकी छांव के नीचे जन्नत है। मतलब कि सेक्स और वायलेंस, यही अगर मैं दो शब्दों में इस्लाम को बोलूं तो सेक्स और वायलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये दो ही हैं, यही दो ही हैं, सेक्स और वायलेंस, ये दो ही हैं, तीसरा अन्य कोई इनमें, लालच भी ये छोड़ देंगे, लेकिन करंट में तो मिल रहा है ना इनको, करंट में क्या चाहिए एक युवावस्था के व्यक्ति को, यही चाहिए। अब जब एक व्यक्ति कह दिया भाई किसी भी लड़की को उठा ले और जीप में चल और बंदूक है, और इससे इससे ज्यादा एडवेंचर तो किसी भी लाइफ में एडवेंचर नहीं, इतना एडवेंचर तो ये चीज एडवेंचर थी। एक बंदा जुड़ा, दो जुड़ा, वो धीरे धीरे करके ग्रुप बनता गया, पूरा स्कैंडल और पूरा नेक्स्ट, और पूरी एक कम्युनिटी खड़ी होगी एक अपनी विचारधारा पर, फिर अपने उन्होंने एजम्पशन अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने, हम तो ऐसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारी तो आइडियलिस्टिक है, ये है वो है, ये अप्रोच करेंगे फलाना, तो बढ़ते गए अपना कारवां। मुसलमान से पूछा कि आप बताओ कि इस्लाम में क्या अच्छा है, उसने कहा भाई हमें डेली की सब बातें पता चलती हैं, ये अच्छी बात है। तो डेली की सारी बातें तो वेदों में लिखी हुई है कि आपको कैसे, आपको सुबह उठना है उषाकालीन समय में, कैसे आपको ध्यान लगाना है, कैसे अध्याय करना है, ये सब कुछ अच्छा उसमें दिया हुआ है। अब कितनी बार बाथरूम में कौन सा पैर आगे करना है, ये कौन से एंटर करना है, ये चीजें मैनिपुलेशन है, ये एक माइक्रो कंट्रोलिंग है, ये कोई अच्छा जीवन व्यतीत करने के नियम नहीं है जो ये लोग कहते हैं कि हमारे जो हदीसों में दिया है तरीका, वो तो तरीका है ही नहीं, वो तो माइक्रो कंट्रोल है किसी आदमी को अपने वश में करके, उसको पूरी तरह से सारा दिन वो सोचता रहा मैं ये पैर रखूं, हाँ लेफ्ट की तरफ 3 बार थूकूं, ये करूं वो करूं, ये चीज कंट्रोलिंग है। जबकि वेदों में दिया है कि आप एक उत्तम जीवन कैसे व्यतीत करें और किस तरह परिश्रम करके धन कमाएं। दूसरा क्वेश्चन मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई तुम्हारा जो नबी था वो कैसे जो है वो अपना उसका क्या करियर था, कहाँ से पैसे आते थे, उसकी फंडिंग कहाँ से होती थी। तो वो कारवां लूटता था, लुटेरा था, कोई यहाँ पर व्यवसाय नहीं दिया, इन लोगों का कोई व्यवसाय नहीं है, इनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है ना, ये कोई इसकी इनकी किताबों में लिखा है जो किसान है वो भी जहन्नुम जाएगा अगर वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करेगा। तो यानी कि इन लोगों का सब यही है कि लूटो और खाओ, यही इनका व्यवसाय है, लूटो और खाओ। इनकी किताबों में ये भी नहीं लिखा कि अल्लाह ने जो है वो पृथ्वी बनाई है, बल्कि वो दो जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को काफिरों से मिली है, अल्लाह ने क्रिएशन नहीं की है बल्कि काफिरों से विरासत में मिली है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनका, इनका तो ये कल्ट भी सब कल्टों में भी सबसे निकृष्ट कल्ट है, जिसमें जो इन के मौलवी है ना वो। देखो और भी बहुत सारे कल्ट हैं, जैसे मोहम्मद अली सिन्हा ने कंपैरिजन किया बहुत सारे दुनिया के कल्ट्स का, तो जो ये मोहम्मद वाला कल्ट है इसमें तो ये टट्टी पेशाब खाना और ये सब करना है, तो सबसे निकृष्ट कल्ट, कल्टों में भी सबसे निकृष्ट है ये। बिल्कुल। और मैम आपने आपने BDSM आपने सुना है, BDSM क्या आपने BDSM सुना है, न्यू फिजिक्स जी? हाँ, आपने भी बताया। हाँ तो उसमें एक स्टेज आती है जब ये स्लेव को जबरदस्ती टट्टी खिलाते हैं, पेशाब पिलवाते हैं, उसको खूब वो करते हैं, मतलब उसके साथ बहुत उसका आगे तक बढ़ते ही चले जाते हैं, मतलब अब मार पीट और सेक्स ये भी खत्म हो गया, उसको बहुत तरह के यंत्रों से उसके शरीर को वो करना, उसको उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, ये सबसे भी ज्यादा। अब उसके बाद उससे टट्टी खिलवाते हैं, पेशाब पिलवाते हैं, ये सब के भी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे बहुत हैं। तो ये एक स्लेवरी की एक एक्सट्रीम वो है, यहाँ पर ये मोहम्मद ने करवाया दूसरों से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ना एक वीडियो देखी थी मैंने 2-3 महीने पहले, तो उसमें एक छोटी सी बच्ची खड़ी है मदरसे के अंदर और दूसरी बच्ची को कहती है कि बहन जेबा तुम्हारे ऊपर क्या हकूक इस्लाम के
वो है लागू है तुम्हारे ऊपर, तो वो कहती है कि छींक का जवाब देना। बताओ भाई छींक का जवाब देना, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं कहा यार ये कोई लॉजिक है? तो इनके यहाँ पे तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि इस्लामिक तरीके से कैसे खाना खाएं, इस्लामिक तरीके से कैसे यूरिनेट करें, इस्लामिक तरीके से कैसे टॉयलेट में जाएं, मैंने इस्लामिक आपको तरीके से बता कैसे दिया है, वो कपड़े मोहम्मद लाओ। जो था ना होमोसेक्सुअल हो गया था, क्योंकि वो छुपाता था इस बात को, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो उसके अंकल ने उसके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज किया था, तो होमोसेक्सुअल हो गया था। और यही बात है कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था, आयशा के कपड़े पहनता था, ये सारे काम भी करता था। तो अभी आप किस बारे में बात कर रहे हो कि कैसे खाना कैसे क्या करना है? हाँ, तो वो लोगों को मतलब कहता था पेशाब इस्लामिक बैठ के तरीका करनी खाना है। खाना। हाँ जी हाँ, पेशाब बैठ के करनी है वो, इसलिए ताकि वो जो आदमी है, क्योंकि वो खुद बौना था ना और मोटा था, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो कुरूप था, मोहम्मद अगली था। और हमने ये भी प्रूव कराया है इजिप्शियन उससे कि वो ब्लैक डिसेंट का था, और साथ में वो बोना भी था, ये भी हमें हदीसें मिलती है कि मोहम्मद बोना था। तो अब और आदमियों के ऊपर अपना जोर कैसे जमवाएगा जब वो और आदमियों को थोड़ा नीचे को करेगा, तभी तो एक तो अपने आप को नबी बोलना, इससे वो और आदमियों के ऊपर प्रतिष्ठित हो गया, और अब दूसरों को बोल रहा है बैठ के पेशाब करो ताकि उनके मर्दानगी थोड़ी कम हो, ताकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखे। क्योंकि अगर वो खड़े होके पेशाब करेंगे और ये खड़े होके करेगा, तो उनका फॉल हायर होगा ना, समझ रहे हैं ना आप? जी, समझ गया हूँ। और ये सच्चा मुस्लिम नीचे कह रहा है कि खालिस्तान क्यों नहीं बना देते, तो मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार ये ऊपर तो आ जाते हैं, मैं ऊपर तेरे से बात करते हैं, रामी नीचे बैठा हुआ है, तो ये ऊपर तो खैर आएगा नहीं। तो ये गंदे गंदे बंदे हैं, ये पाकिस्तान से निकाला हुआ है इसको हरामी को, ये वहां पे कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन साहब बाहर धक्के खा रहा है किसी यूरोप की कंट्री में, और ये बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत दूंत सब टूट चुके हैं, और इसका तो मुंह भी ऐसा है जैसे कि आपको बताता हूँ, एक नारियल होता है ना, नारियल को रख देते हैं वो कई सालों तक रखा रहता है, वो खोखला हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, ऐसा है ये रामी है, ये मैंने दूसरी स्ट्रीमों में इसको देखा हुआ है। जी, मैंने तो इंदिरा जी ने कहा कि सब लोगों को अनब्लॉक कर दो, मैंने कर दिया। ये मेरी स्ट्रीम पे आके जिहाद करने की और सबको मारने की साफ साफ धमकी दे रहा था, उसी दिन मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। पर इंदिरा जी ने कहा तो मैंने सबको, सारों को, अब कोई भी मेरे चैनल पे ब्लॉक नहीं है। जी नहीं, ये इतनी औकात नहीं है ना इसकी, ये तो वैसे धमकी धमकी देते हैं, ऐसे थोड़ी ना मार देंगे, और ये हरामी है वैसे भी, इनका काम ही मरना मारना है वैसे, उस दूसरे हिसाब से भी देखा जाए तो, ये धमकियां देना, ये स्कैंडल चलाना, इनका तो काम यही है मैम, इनका काम यही है। आप देखो लादेन, हिजबुल मुजाहिदीन, बोको हराम, हमास, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इनका मेन धंधा क्या है? मैं तो ये सोचता हूँ ये काम क्या करते हैं, इनका काम ही है बम बनाओ, फटो मोहम्मद का भी कोई काम बंदूक नहीं से था, वो उसकी भी लड़की लूट को रहा उठाओ। हो। हाँ हाँ, और दूसरों को धोखे से, जब वो सो रहे हो तब बच्चों को मारना, देखो इन्होंने डीकैपिटेट कर दिए, मतलब यही है इनका, यही काम है इनको, इनकी इनको इनकी अब कोई भी अच्छी अच्छी तरह से इनको पेल रहा है इसराइल रख के, वहां पे इनके सारे यूनिवर्सिटियों को फूंक दिया है, हॉस्पिटलों को फूंक दिया है, और अब इन्होंने तो उनके 1200-1300 मारे थे, उन्होंने 2000 से ज्यादा मार दिए हैं इनके बंदे, अभी और मारेगा आगे आने वाले दिनों में, उस गाजा का तो बाजा बजा ही रहा है अभी इनका। ये पता है क्या चक्कर है, शुरुआत करते हैं फिर पिट के बैठते हैं यार, इनके साथ यही होता है लास्ट में, ये पिट के बैठ जाते हैं फिर लास्ट में। विनोद जी, आपको पता है कि ये तो सुन्नत है ना, मोहम्मद जो भी करता था तो ये सुन्नत फॉलो करते हैं, बस ये है। मोहम्मद के 1.5 मिलियन औलाद दुनिया को परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये सब नरकों में जाएंगे, नरक पॉपुलेट हो रहे हैं। कृपया जो मुस्लिम कमेंट कर रहे हैं उन पर चर्चा नहीं करें। हाँ, हम नहीं उन पर चर्चा, हम उनसे नहीं होते, पर ये इंदिरा जी जो है प्रवोक को जाते हैं बड़ी जल्दी। पैलेस्टीनियंस आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। हाँ, ये तो नार्सिसिज्म का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो भी होगा ना, आप पे अटैक करके विक्टिम बन जाएगा फौरन। BK Pandey 5143, ये शायद इनका चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आज की स्ट्रीम क्लोज करते हैं। आंदोलन जी, आपको कुछ कहना है एंड में? जी, अंत में यही कहना था कि आज आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि जो आप जिनका बता रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया इसके विषय में, तो ये बीमारी इससे प्रूव होता है कि जैसे कि ये बीमारी जैसे जिसको होगा उसका या तो संतान होगा ही नहीं, या तो होगा तो बचेगा नहीं,
एक ये हुआ, दूसरा चीज ये हुआ कि इसमें शरीर पे जैसे दाने उने टाइप के तो इसको भी हुए थे, इसके भी पीठ पे कहीं ना कहीं कुछ निकला ही था, और इसको हाँ, देखिए समझ में भी आ गया, और फिर ये दूसरे हाँ 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 दूसरे जी 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 दूसरे दूसरे ये ना कहें, दूसरे ये ना कहें कल को कह रहे यार ये इतने दिन ये ऐसे क्यों करते हैं, तो उसको ये एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उसको बता दे कि इसी तरह तुम सब करो, इसी तरह किया ही जाता है, जबकि वो अपना एक तरीके से रोगी का, जैसे रोगी लोग करते हैं जो चीज करते हैं वो कर रहा था वो, और वही रोगी वाला चीज बाकी सारे लोगों को सुंदर टाइप का समझा के बेवकूफ बना के चूतिया काट के चला गया। जी बिल्कुल सही बोला आपने एकदम, इसने सारे लोगों को जो है वो सिफिलिस दे दी, सब लोगों को। बाबा जी आपको कुछ लास्ट में कहना है? जी नहीं मैम, आप करो, कंक्लूड करो आप। जी तो मैं कंक्लूजन में बस यही कहूंगी कि जितने भी सनातनी हैं आज इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, लाइक अवश्य करिए। ये आपको आज बहुत अच्छी बड़ी जानकारी मैंने दी है कि मोहम्मद जो था वो सिफिलिस से ग्रसित था, उसने सब लोगों को सिफिलिस दे दी, तभी उसकी सारी बीवियों के कोई बच्चे नहीं हुए, और यही सिफिलिस थी जिस वजह से वो मरा, और यही सिफिलिस थी जिसकी वजह से उसकी पीठ पे जो है सील ऑफ प्रॉफिट आया, और यही सिफिलिस थी जिसकी वजह से वो हाथ बार बार धोता था। और अब इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और जितने भी सनातनी हैं उन सबको ईश्वर करे कि उनके घर में समृद्धि आए, उनके घर में धन धान्य की वर्षा हो, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सदैव खुश रहें। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माता दी।